नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तमिल भाषा में बनी फिल्म एक और फिल्म को, जिस फिल्म का नाम है दोस्तों बिगिल। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे तमिल भाषा में बनी फिल्म बिगिल मूवी रिव्यू, और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट के लेकर भी हाजिर हुए हैं। जैसे कि दोस्तों, यह फिल्म में सुपरस्टार कौन कौन है और यह फिल्म का डायरेक्टर कौन है दोस्तों, साथ ही साथ फिल्म की रिलीज डेट और यह फिल्म का संगीत कौन दिया था, और इस फिल्म की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी जानकारी आपको इस वीडियो में हम बतलाएंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि यह फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में आपको YouTube पे कहां से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी चीजों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों इसी के साथ चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे। फिल्म बिगिल जो कि यह एक भारतीय तमिल भाषा की स्पष्ट एक्शन फिल्म है, जिसे एटली द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था और AGS एंटरटेनमेंट के बैनर तले कलापनाथी और एस आरोधम द्वारा निर्मित फिल्म में विजय मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इसमें अन्य प्रमुख भूमिकाओं में नयनतारा, जैकी श्रॉफ, विवेक और कार्थिक भी हैं। यह फिल्म माइकल रेपान और उफ के इर्द गिर्द घूमती है। बिगिल जो कि एक फुटबॉल से गैंगस्टर बन जाता है, जो एक महिला फुटबॉल टीम को कोच करने का फैसला करता है, जबकि उनके कोच पर हमला होता है। और दोस्तों वह चुनौती का सामना करता है, जबकि उस हिंसक पृष्ठभूमि के कारण उसकी टीम उसके साथ सहयोग नहीं करती है और खुद को कुछ प्रतिबिंबिताओं द्वारा स्वीकार किया जाता है, जो बदला लेना चाहता है। और विफा फिल्म को आधिकारिक तौर पर 14 नवंबर 2018 को अपने कामकाजी शीर्षक थलपति 63 और अभिनेता के रूप में विजय की 63 फिल्म शामिल है और फिल्म जिक्र करते हुए तहत घोषित किया था। और दोस्तों इसे थेरी और मैरसल के बाद विजय और एटली के तीसरे सहयोग को चिहित किया था। इस फिल्म के लिए मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू हुई थी, जहां की मुख्य रूप से चेन्नई और आसपास में हुई थी। दिल्ली की बात की जाए कि दिल्ली में यह फिल्म को दिल्ली में आसपास 2019 की शुरू हुई, जहां की मुख्य रूप से चेन्नई में और दिल्ली में एक मामूली शेड्यूल के साथ 14 अगस्त को समाप्त हुआ था। फिल्म के शीर्षक बिगिल की घोषणा 22 जून 2019 को फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ की गई थी, जो कि फिल्म के संगीत AR रहमान ने दिया था, जबकि दोस्तों छायाकांत जी के विष्णु ने संभाला था और उसके संपादक रूबेंस ने किया था। 180 करोड़ के बजट में बनी फिल्म बिगिल को भारत में 25 अक्टूबर 2019 को दिवाली के मौके पर थिएटर में रिलीज हुई थी और रिलीज पर फिल्म को ज्यादातर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता विजय के प्रदर्शन के साथ संदेश और निर्देशक की प्रशंसा की गई थी, लेकिन दोस्तों आलोचना का उद्देश्य कमजोर और फॉर्मूला वृद्ध पहली छमाही और अत्यधिक लंबाई थी। फिल्म बिगिल जो कि 2019 की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की 50वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है, जिसमें रिलीज होने पर लगभग 250 करोड़ से लेकर 300 करोड़ की कमाई की और यह आगे चलकर सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई थी। और दोस्तों उस समय विजय के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपने 100 दिवसीय थिएटर रन पूरे किए और जो कि सिने अवार्ड तमिल और आनंद विकट सिनेमा अवार्ड 3 और एडिएशन अवार्ड और सिम्मा अवार्ड में से प्रत्येक में 2 पुरस्कार जीते हैं। बात की जाए दोस्तों फिल्म में विजय, नयनतारा अभिनेत्री और जैकी श्रॉफ, कथित विवेक जैसे और बड़े स्टार देखने को आपको इस फिल्म में मिलेंगे। फिल्म की रिलीज 15
25 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई थी। और यह फिल्म की रनर टाइम की बात करें दोस्तों, यह फिल्म का रनर टाइम 177 मिनट के साथ इस फिल्म को बनाई गई थी। फिल्म बिग गिल को तमिल भाषा के साथ इस फिल्म को इंडिया में रिलीज किया गया था। और बात की जाए दोस्तों फिल्म की, तो यह फिल्म में विजय और अभिनेत्री नयनतारा की जोड़ी आपको जबरदस्त भूमिका के साथ देखने को आपको मिलेगा। बात की जाए दोस्तों फिल्म में विजय धोरी भूमिका में है, जो कि माइकल रैपियन एक गैंगस्टर से तमिलनाडु महिला फुटबॉल टीम के कोच बने और पूर्व फुटबॉलर जो कि कोड नाम और बिग गिल के तहत खेलते थे। वैसे ही दोस्तों अभिनेत्री नयनतारा जो कि यह फिल्म में एजेंट आशीर्वाद के रूप में नयनतारा माइकल की प्रेम रुचि एक फिजियो और थेरेपिस्ट के किरदार में है, जो कि जेके शर्मा अखिल और भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के रूप में जेके श्रॉफ भी अपना किरदार निभाए हैं। कथित के रूप में काथिर माइकल का साथी है, जो कि विवेक नेसी के रूप में है। और दोस्तों डेनियल बालाजी जो कि डेनियल एक ड्रग डीलर और गैंगस्टर है, जो कि आनंद राज आनंद के रूप में है। डोनाल्ड के रूप में योगी बाबू है, जो कि फिल्म बिगिल में आई एम विजयन और एलेक्स डेनियल के पिता के रूप में है। और दोस्तों बात की जाए फिल्म बिग गिल की विकास, जो कि सरकार 2018 के निर्माण के दौरान यह बताया गया था कि निर्देशक एक विनोद हरि और मोहन राजा दो और पेरा स्वरू को विजय की 63वीं फिल्म का निर्देशक करने के लिए अनुबंधित किया जाएगा। फिल्म की सुपरस्टार अभिनेत्री जो कि नयनतारा, यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कि सुपरस्टार अभिनेता विजय के साथ फिल्म बिग गिल में आपको देखने को मिलेगी। नयनतारा जिन्होंने पेशावर रूप से नयनतारा के नाम से भी जाना जाता है, और यह एक भारतीय अभिनेत्री फिल्म निर्माता है, और जो कि मुख्य रूप से तेलुगु और मलयालम फिल्म के साथ साथ तमिल फिल्म में भी दिखाई देती है। भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक है, और वह फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 की सूची में 2018 की सूची में प्रदर्शित होने वाली एकमात्र दक्षिण भारतीय अभिनेत्री थी, जिनकी दोस्तों कुल वार्षिक कमाई 15.17 करोड़ की थी। और नयनतारा ने 2 दशकों में फैली 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है, कई पुरस्कार जीते हैं, और उनमें से लोकप्रिय पुरुष से भारतीय सिनेमा की लेडी सुपरस्टार के रूप में संबोधित किया जाता है। अभिनेत्री नयनतारा ने अपने अभिनय की शुरुआत मलयालम फिल्म मानसिन नकारे 2003 से की, और उन्होंने आया जो कि 2005 के साथ तमिल सिनेमा में एक लक्ष्मी और 2006 के साथ तेलुगु सिनेमा में अपनी शुरुआत की थी। पैरानिक फिल्म श्री रामराज्यम 2011 में देवी सीता ने उनके चित्रण में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार तेलुगु और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नदी पुरस्कार अर्जित किया था। उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा राजा रानी 2013 और एक्शन कॉमेडी नानम राउडी धान में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए तमिल फिल्म और तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार जीता था। 2015 में राजनीतिक ड्रामा अरान 2017 और अपराध नाटक पुथिया नियम 2016 में उनके प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मलयालम के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नयनतारा ने अन्नामिका 2014 और माया 2015, कुल्ला माबू और कोकिला 2018, एरा 2019 और नेत्रिकान 2022 सहित सफल महिला केंद्रित फिल्मों के साथ खुद को स्थापित किया था। अभिनेत्री नयनतारा के अन्य सफल और उल्लेखनीय कार्यों में गजनी
गजनी 2005 और बिल्ला 2007 के साथ यार्दिनी मोहिनी 2008 और बॉडीगार्ड 2010, कृष्णम वंदे और जगरुदम 2012 और थानी ओरुवान 2015 और कासमोरा 2016 जैसे एक से बढ़कर एक फिल्म में काम की है। अभिनेत्री नयनतारा ने बाद में तमिल और तेलुगु फिल्म में काम करना शुरू किया, जो कि 2005 में उन्होंने हरि और अध्याय की कास्ट किया गया और तमिल फिल्म उद्योग में फिल्म की मुख्य नायिका के रूप में डेब्यू किया था। और दोस्तों बात की जाए, उसने तमिल और सनसनीखेज शुरुआत की, जबकि नौरुंग जो कि नौरिंग.com ने एक समीक्षकों ने कहा कि उसकी सुंदर और मुस्कान के साथ उपस्थिति भीड़ जाती है। और आय की शूटिंग के दौरान उन्होंने कॉमेडी हर फिल्म चंद्रमुखी के लिए चुना गया था। इसके निर्देशक बी पी बासु ने पत्नी और पत्नी ने मन सिकारे को देखा था और उनकी सिफारिश की थी और यह फिल्म सिनेमा घर में 800 से अधिक दिनों तक चली थी। अंत नयनतारा को तमिल में सबसे अधिक मांग वाली अभिनेत्रियों में से एक में से बदल दिया गया था। उन्होंने मलयालम और ठस्कर वरिन और रप्पा कॉल में भी अभिनय किया था, जो कि बाद में उस वर्ष एक ए आर मुगुद्रास की गजनी में दिखाई दिए थे, जिसमें उन्होंने एक माध्यमीय महिला किरदार निभाया था, जो कि नयनतारा ने तब से पेरा रसु निर्देशित मसला फिल्म शिवकाशी में खुद को रूपमेट और टाइटम नंबर में दिखाई दिए थे। 2006 में नयनतारा की पहली रिलीज कल्ला वनी और कधिली थी, जो कि उनका प्रदर्शन किया था, और ताकत था, जो कि उन्होंने अगली बार तेलुगु में अपनी शुरुआत की थी। फिल्म लक्ष्मी में अभिनय किया, जिसके बाद उन्होंने बॉस और आई लव यू में अभिनय किया था। तीन तमिल फिल्म में जिनमें से उन्होंने प्रमुख महिला पात्रों की भूमिका निभाई और कल्लवन थलाई मगन और ई दीपावली 2006 के दौरान एक साथ रिलीज हुई थी। दोस्तों तीनों फिल्म ने मिश्र समीक्षाएं मिली और वल्लवन में उसने एक लेंचर का किरदार निभाया था, जिसमें अपने से कम उम्र की एक छात्रा से प्यार हो जाता है। और सीपी ने लिखा कि नयनतारा वस्तुतः फिल्म के साथ चली जाती है और दोस्तों कभी इतनी सुंदर नहीं दिखती है कि वो विशेष रूप से गीतों में बहुत खूबसूरत दिखती है और अपनी अच्छी तरह से तैयार की गई भूमिका के साथ नयनतारा की अन्याय करती है। और साइंस फिक्शन थ्रिलर में नयनतारा ने एक बार डांसर की भूमिका में दिखाई दी है। अभिनेत्री नयनतारा की तो बात की जाए तो यह एक 2008 की उनकी 5 रिलीज हुई फिल्म, जिनमें से 4 तमिल में थी और उनकी पहली रिलीज पारिवारिक मनोरंजक फिल्म यारदिनी और मोहिनी थी, जो कि नयनतारा ने अपने धमाकेदार अभिनय को दूर कर दिया था और तरीके से रगड़े जाने पर शांति सातिर अवमन्ना दिखती है और गीतों में प्यारी लगती है। और newarning.com ने कहा कि अपने अभिनय कौशल को पूर्ण मां में प्रदर्शित करती है और भावनात्मक दृश्य में एक चलती फिरती प्रतुष्टि देखती है। जबकि दोस्तों सीफी के आलोचक ने लिखा कि वह सनसनीखेज दिखती है और उसके शायद सबसे भावनापूर्ण भूमिका में बहुत अच्छा काम किया है। और अब तक
किया है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तमिल के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए अपने दूसरे नामांकन के अलावा उसके बाद की प्रतिष्ठित 2008 में कुसेरलन और सत्यम और एगनन में थी, जो कि 2009 में वह बिल्लू और अधवन में दिखाई दी थी, जो कि 2010 में उनकी सभी रिलीज जिसमें उन्होंने महिला प्रधान के रूप में दिखाई दिए थे। व्यावसायिक रूप से सफल रही और उन्होंने 4 दक्षिण भाषाओं की अधूर तेलुगु बॉडीगार्ड, मलयालम और सिम्हा तेलुगु बॉस में बॉक्स और ऑफिस पर 5 हिट फिल्मों में थी, जो कि अगिरा भास्कर की तमिल और सुपर कन्नड़ उन्होंने बॉडीगार्ड में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का एशियानेट पुरस्कार जीता था। उन्होंने बॉडीगार्ड में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का एशियानेट पुरस्कार जीता और बाद के 3 विशेष रूप से नयनतारा के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय थे और सिन्हा बॉस की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई है। बात की जाए दोस्तों अभिनेत्री नयनतारा और सुपरस्टार अभिनेता विजय की जोड़ी यह फिल्म में बिगिल में आपको जबरदस्त भूमिका के साथ देखने को मिलेगा। वैसे ही दोस्तों फिल्म में अभिनेत्री नयनतारा और विजय के साथ जोड़ी इस फिल्म में जबरदस्त चली है और वैसे ही दोस्तों यह फिल्म में जैकी श्रॉफ भी अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ देखने को मिले हैं। जैकी श्रॉफ जो कि जिन्होंने जैकी श्रॉफ के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता और पूर्व मॉडल है, जो कि वह 4 दशक से अधिक समय से बॉलीवुड उद्योग में से और 2020 तक हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, भोजपुरी के साथ साथ कोंकणी, ऑडियो, गुजराती जैसी 13 भाषा की फिल्मों में 220 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए हैं। इनकी अभिनय करियर की शुरुआत की ओर नजर डाले तो दोस्तों जैकी श्रॉफ ने 11वीं कक्षा के बाद स्कूली छोड़ दिया था। 2006 में जैकी श्रॉफ ने बच्चों की फिल्म भूत अंकल में अभिनय किया और उसके बाद 2010 में वह फिल्म भूत और फ्रेंडसन में दिखाई दिए थे। 2011 में उन्होंने गुरु भाई ठक्कर द्वारा निर्देशित फिल्म सरदा इन द नेम ऑफ गॉड में एक छोटी भूमिका निभाई और 2017 में जैकी श्रॉफ ने कोंकणी में अपनी शुरुआत की, जो कि फिल्म सोल करी में अभिनय किया था, जिसने उन्होंने एक पुरस्कार भी दिलाया और इसके बाद वह 2019 की रिलीज होने वाली एक कोंकणी फिल्म में अभिनय करने वाले जिसका नाम कंतरा था। अक्टूबर 2018 में उन्होंने एक लघु फिल्म द प्ले बाय मिस्टर सहनी में अभिनय किया, जो कि प्लटन में देखा गया था। उन्होंने 2019 में की गई फिल्मों में काम करना शुरू किया, जैसे कि फिर की भारत और साहो और रोमियो, अकबर अल्टर और प्रार्थनम में भी अभिनय करने जा रहे हैं, जो कि असली फजल और संजय दत्त के साथ इसी नाम की तेलुगु फिल्म हिंदी रीमेक है। अभिनेत्री नयनतारा जो कि यह फिल्म में जैकी श्रॉफ और विजय के साथ फिल्म बनी, जो कि बिगिल, जो कि आजकल भी फिल्म देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। और दोस्तों आपको बताएंगे कि यह फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में आपको यूट्यूब पे आपको कहां से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी चीजों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। और बात की जाए दोस्तों अभिनेता विजय जो कि जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जिन्हें पेशावर रूप से विजय के रूप में जाने जाते हैं, भारतीय अभिनेता और गायक है, जो कि मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। वह भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं और उन्होंने 66वें फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स ने उन्हें निरंतर कलाकार के रूप में चिन्हित किया था।
अथल्ला पति के रूप में सदाभिर्त विजय का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महत्वपूर्ण अनुसरण है, जो कि उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें से दोस्तों ये साउथ इंडियन की इंटरनेशनल मूवी अवार्ड है और यह सुपरस्टार अभिनेता विजय के साथ फिल्म में अभिनेत्री नयनतारा भी अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ दिखाई देगी। दोस्तों अब नजर डाले सुपरस्टार अभिनेता विजय की अभिनय करियर की शुरुआत की ओर नजर डाले तो दोस्तों सन 2000 में उन्होंने कन्नुकल नीलावू में अभिनय किया, जो कि विजय की 25वीं गंभीर रूप से सफल फिल्म थी। साथ ही दो व्यावसायिक रूप से सफल रोमांस फिल्म कुशी और प्रेमी प्रिया मनम वाले उनकी अगली सफल फिल्म फ्रेंडसम और बद्री और शाहजहां थी, जो कि सन 2002 में उन्होंने हिंदी अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के साथ एक्शन फिल्म थमी जान में अभिनय किया था। बाद में उन्होंने रोमांटिक फिल्म युद्ध और एक्शन फिल्म बागवती में अभिनय किया था। विजय ने 2003 की शुरुआत कॉमेडी फिल्म वासीगरा में और सुपर चैनूरल फिल्म पुडिया गीताई से की थी। 2003 में एक्शन रोमांस फ्रेक और थिरुमलाई के बाद एस धरानी द्वारा निर्देशित और ए एम रतन द्वारा निर्मित फिल्म गिल्ली रिलीज हुई थी। इसमें मुख्य भूमिका में विजय के साथ त्रिशा और प्रकाश राज ने सह अभिनय किया था। गिल्ली घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 500 मिलियन या 50 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली अब तक की पहली तमिल फिल्म थी। फिल्म ने मलेशियाई बाजार में लगभग ₹50,00,000 की कमाई की और गिल्ली ने रिलीज के पहले सप्ताहांत में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा फिल्म देखने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था, जो कि पहले इसके द्वारा आयोजित किया गया था कि एम जी रामचंद्र की आदि माई पेन 1969 की गिल्ली को अनुकूल समीक्षा मिली थी। उसके बाद दोस्तों 2007 के अंत में विजय ने रोमांटिक थ्रिलर फिल्म अजगिया जो कि तमिल मगनान में अभिनय किया था, जहां उन्होंने एक ही समय में नायक और प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई थी। अजगिया जो कि तमिल मगन ने विदेशों में 1.0 जो कि $43 मिलियन की कमाई की और जो कि 2007 की विदेशी बॉक्स ऑफिस पर सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। स्क्रीन और डेली एक ब्रिटिश पत्रिका ने बताया था कि अजगिया तमिल मगन ने मलेशियाई शीर्षक 10 और एशियाई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर हिट चार्ट में प्रवेश किया था। 2007 में व्यावसायिक रूप से सफल और व्यतिकरण 2009 को छोड़कर अजगिया तमिल मगनम और कुरुवी और उसके बाद सभी रिलीज बिल्लू औसत सफल थे और तीनों फिल्म ने विदेशों में अधिक सफल रही थी। 2009 में विजय और दक्षिण की भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक बन गए हैं। 2010 में उन्होंने एक्शन कॉमेडी फिल्म सूर्य में अभिनय किया, जो कि बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। सूर्य जो कि मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 50वीं फिल्म थी। उसके बाद दोस्तों 2011 में शुरुआती विजय की रोमांटिक कॉमेडी कवलन के लिए निर्देशक सिद्दीकी के साथ जुड़ गए और इसे दुनिया भर में 102 करोड़ रुपए के बॉक्स ऑफिस का संग्रह किया था। साथ ही साथ दोस्तों दर्शकों और आलोचकों दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी और कवलन को चीन में शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मत्तहोश में प्रदर्शित किया गया था। कवलन चीन में एक व्यवसायिक सफलता थी और उसी वर्ष दिवाली के
दौरान उनकी अगली रिलीज एम राजा द्वारा निर्देशित और वेणु रविचंद्र द्वारा निर्मित एक्शन फिल्म वेला युद्धम रिलीज हुई थी। वेला युद्धम 2011 की शीर्ष कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई है। वेला युद्धम जापानी दर्शकों के बीच एक महत्वपूर्ण सफल रही थी। उसके बाद दोस्तों 2012 में विजय की अगली रिलीज नाबनम और अनाबरन को ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। उसके बाद दोस्तों बात की जाए तो 2019 की सुपरहिट फिल्म जो कि 2019 की रिलीज में हुई थी बिग गिल, जो कि एटली द्वारा निर्देशित एक फुटबॉल एक्शन फिल्म है, जो कि विजय ने फिल्म में अपनी भूमिका के लिए विशेष प्रदर्शन लिया था। फिल्म बिग गिल को विजय की दशक की अंतिम फिल्म थी जो कि बिग गिल को आलोचकों से मिश्र समीक्षाएं मिली थी, लेकिन दोस्तों विजय की फिल्म के भीतर और उनके पात्रों को चित्रण करने के लिए प्रशंसा मिली थी। यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिसने 300 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की और 2019 को सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई थी। इसके बाद दोस्तों रिलीज 3 महीने के भीतर और विजय के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। फिल्म बिग गिल को जो कि मिस्त्रन और जार्डन में रिलीज हुई और पहली तमिल फिल्म थी जो कि 2020 में बिग गिल की जर्मनी में फिर से रिलीज होने वाली पहली तमिल फिल्म थी। उसी वर्ष के दौरान लोकेश कंगराजा को जेबिया ब्रिटो द्वारा निर्मित विजय की फिल्म मास्टर के निर्देशक के रूप में चुना गया था। और बात की जाए दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय और अभिनेत्री नयनतारा की जोड़ी आपको काफी जबरदस्त भूमिका में आपको देखने को मिलेगा। बात की जाए दोस्तों फिल्म की कहानी की ओर नजर डाले तो दोस्तों माइकल जो कि रापन्ना और राय पुनम चेन्नई में एक गैंगस्टर है जो कि अन्नी और जुगनी जो लोगों के कल्याण के लिए काम करता है और फिजियो थोरे पिस्टोल और एजेंट आशीर्वाद के साथ उनका एक हास्यपूर्ण रिश्ता है जो कि माइकल का डेनियल नाम ने एक प्रतिबिंबित गैंगस्टर के साथ झगड़ा चल रहा है और एक रात डेनियल माइकल और उसके करीबी दोस्त के थ्रिलर पर हमला करता है जो कि दोस्तों तमिलनाडु महिला फुटबॉल टीम के कोच है जो कि हमले के दौरान कथिर को चोट लग जाती है और जिसके कारण वह एक साल से लकवा ग्रस्त है और महिला फुटबॉल टीम को दिल्ली में होने वाली आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति देने के लिए कथिर ने TNFA से अनुरोध किया है। उन्होंने बिग गिल नाम के अपने पूर्व साथी के साथ बदलने के लिए जो कि वास्तव में माइकल है जो कि 7 साल से पहले माइकल एक फुटबॉलर थे। उन्होंने कथिर और उनकी टीम के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की जीत में योगदान दिया और जिसने उनके पिता रप्यानम थे जो कि एक क्राइम बॉस थे जो जिनका प्रतिद्वंदी गैंगस्टर और एलेक्स डेनियल के पिता के साथ झगड़ा था और रायपन ने फुटबॉल के लिए माइकल के जुनून को प्रोत्साहित किया था क्योंकि दोस्तों वह नहीं चाहते थे कि उनका अंत उनकी तरह एक गैंगस्टर के रूप में है जबकि रायपन के आपराधिक रिकॉर्ड के कारण माइकल और एक IFT में शामिल नहीं हो पाए।
और दोस्तों बात की जाए तो यह वर्तमान समय में माइकल और डेनियल का सपना सामना करता है और पहले के हमले के लिए उसके मारने का प्रयास करता है, लेकिन दोस्तों पुलिस डेनियल को गिरफ्तार करने और उसे जेल भेजने के लिए हस्तक्षेप करती है। माइकल ने बाद में महिला फुटबॉल टीम के कोच के कादिर के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और एंजल और टीम के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। हालांकि दोस्तों उसकी अपराधी पृष्ठभूमि के कारण लड़कियों ने उसके साथ असहयोग करने से इनकार कर दिया था, जहां तक कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप में मणिपुर के हाथों टीम की शुरुआती और हर के लिए उसे दोषी ठहराया था और दोस्तों फाउंडेशन से उसे ठहराने का अनुरोध किया, जो कि उदास और माइकल शर्मा को अपना इस्तीफा देते हैं। लेकिन दोस्तों जल्द ही पता चलता है कि शर्मा और उसे भारतीय फुटबॉल टीम ने अनुमति देने के लिए रैपन के हाथों हुए और अपमान का बदला लेने के लिए निशाना बनाता है, और वह था जिसमें माइकल पर हमला करने के लिए सशस्त्र और हमलावर को भेजे थे, जो कि मणिपुर फुटबॉल मैच से पहले। हालांकि माइकल और लड़कियों को उनका समर्थन करने के लिए मना लेता है। एटली द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था और एजीएस एंटरटेनमेंट के बैनर तले कलापनाथी और एस आघोरम द्वारा निर्मित फिल्म में विजय मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इसमें अन्य प्रमुख भूमिकाओं में नयनतारा, जैकी श्रॉफ, विवेक और कार्थिक भी है। यह फिल्म माइकल रेपन और उफ के इर्द गिर्द घूमती है। बिगिल जो कि एक फुटबॉल से गैंगस्टर बन जाता है, जो एक महिला फुटबॉल टीम को कोच करने का फैसला करता है जबकि उनके कोच पर हमला होता है, और दोस्तों वह चुनौती का सामना करता है जबकि उस हिंसक पृष्ठभूमि के कारण उसकी टीम उसके साथ असहयोग नहीं करती है और खुद को कुछ प्रतिबिंधिताओं द्वारा स्वीकार किया जाता है जो बदला लेना चाहता है। और विफा फिल्म को आधिकारिक तौर पर 14 नवंबर 2018 को अपने कामकाजी शीर्षक थलपति 63 और अभिनेता के रूप में विजय की 63 फिल्म शामिल है और फिल्म जिक्र करते हुए तहत घोषित किया था। और दोस्तों इसे थेरी और मैर्सल के बाद विजय और एटली के तीसरे सहयोग को चिहित किया था। इस फिल्म के लिए मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू हुई थी, जहां की मुख्य रूप से चेन्नई और आसपास में हुई थी। दिल्ली की बात की जाए कि दिल्ली में यह फिल्म को दिल्ली में आसपास 2019 की शुरू हुई, जहां की मुख्य रूप से चेन्नई में और दिल्ली में एक मामूली शेड्यूल के साथ 14 अगस्त को समाप्त हुआ था। फिल्म के शीर्षक बिगिल की घोषणा 22 जून 2019 को फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ की गई थी, जो कि फिल्म के संगीत A.R. रहमान ने दिया था, जबकि दोस्तों छायाकान जी के विष्णु ने संभाला था और उसके संपादक रूबेंस ने किया था। 180 करोड़ के बजट में बनी फिल्म बिगिल को भारत में 25 अक्टूबर 2019 को दिवाली के मौके पर थिएटर में रिलीज हुई थी और रिलीज पर फिल्म को ज्यादातर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता विजय के प्रदर्शन के साथ संदेश और निर्देशक की प्रशंसा की गई थी, लेकिन दोस्तों आलोचना का उद्देश्य कमजोर और फॉर्मूला विरुद्ध पहली छमाही और अत्यधिक लंबाई थी। फिल्म बिगिल जो कि 2019 की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की 50वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है, जिसमें रिलीज होने पर लगभग 250 करोड़ से लेकर 300 करोड़ की
कमाई की और यह आगे चलकर सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई थी। और दोस्तों उस समय विजय के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपने 100 दिवसीय थिएटर रन पूरे किए और जो कि सिने अवार्ड तमिल और आनंद विकट सिनेमा अवार्ड 3 और एडिशन अवार्ड और सिम्मा अवार्ड में से प्रत्येक में 2 पुरस्कार जीते हैं। बात की जाए दोस्तों फिल्म में विजय नयनतारा अभिनेत्री और जैकी श्रॉफ कथित विवेक जैसे और बड़े स्टार देखने को आपको इस फिल्म में मिलेंगे। फिल्म की रिलीज 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई थी और यह फिल्म की रनर टाइम की बात करें दोस्तों यह फिल्म का रनर टाइम 177 मिनट के साथ इस फिल्म को बनाई गई थी। फिल्म बिगिल को तमिल भाषा के साथ इस फिल्म को इंडिया में रिलीज किया गया था। और बात की जाए दोस्तों फिल्म की तो यह फिल्म में विजय और अभिनेत्री नयनतारा की जोड़ी आपको जबरदस्त भूमिका के साथ देखने को आपको मिलेगा। बात की जाए दोस्तों फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में है जो कि माइकल रैपियन एक गैंगस्टर से तमिलनाडु महिला फुटबॉल टीम के कोच बने और पूर्व फुटबॉलर जो कि कोड नाम और बिगिल के तहत खेलते थे। वैसे ही दोस्तों अभिनेत्री नयनतारा जो कि यह फिल्म में एजेंट आशीर्वाद के रूप में नयनतारा माइकल की प्रेम रुचि एक फिजियो और थेरेपिस्ट के किरदार में है जो कि जेके शर्मा अखिल और भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के रूप में जैकी श्रॉफ भी अपना किरदार निभाए हैं। कथित के रूप में काथिर माइकल का साथी है जो कि विवेक नेसी के रूप में है। और दोस्तों डेनियल बालाजी जो कि डेनियल एक ड्रग डीलर और गैंगस्टर है जो कि आनंद राज आनंद के रूप में है। डोनाल्ड के रूप में योगी बाबू हैं जो कि फिल्म बिगिल में आई एम विजयन और एलेक्स डेनियल के पिता के रूप में हैं। और दोस्तों बात की जाए फिल्म बिगिल की विकास जो कि सरकार 2018 के निर्माण के दौरान यह बताया गया था कि निर्देशक एक विनोद हरि और मोहन राजा दो और पेरा स्वरूप को विजय की 63वीं फिल्म का निर्देशक करने के लिए अनुबंधित किया जाएगा। फिल्म की सुपरस्टार अभिनेत्री जो कि नयनतारा यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कि सुपरस्टार अभिनेता विजय के साथ फिल्म बिगिल में आपको देखने को मिलेगी। नयनतारा जिन्होंने पेशावर रूप से नयनतारा के नाम से भी जाना जाता है और यह एक भारतीय अभिनेत्री फिल्म निर्माता है और जो कि मुख्य रूप से तेलुगु और मलयालम फिल्म के साथ साथ तमिल फिल्म में भी दिखाई देती है। भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक है और वह फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी सही की सूची में 2018 की सूची में प्रदर्शित होने वाली एकमात्र दक्षिण भारतीय अभिनेत्री थी जिनकी दोस्तों कुल वार्षिक कमाई 15.17 करोड़ की थी। और नयनतारा ने 2 दशकों में फैली 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है, कई पुरस्कार जीते हैं और उनमें से लोकप्रिय पुरुष से भारतीय सिनेमा की लेडी सुपरस्टार के रूप में संबोधित किया जाता है। अभिनेत्री नयनतारा ने अपने अभिनय की शुरुआत मलयालम फिल्म मानसिन नकारे 2003 से की और उन्होंने आया जो कि 2005 के साथ तमिल सिनेमा में एक लक्ष्मी और 2006 के साथ तेलुगु सिनेमा में अपनी शुरुआत की थी। पैरानिक फिल्म श्री रामराज्यम 2011 में देवी सीता ने उनके चित्रण ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार तेलुगु और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नदी पुरस्कार अर्जित किया था। उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा राजा रानी 2013 और एक्शन कॉमेडी नानम राउडी धान में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए
फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए तमिल फिल्म और तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार जीता था। 2015 में राजनीतिक ड्रामा रान 2017 और अपराध नाटक पुथिया नियम 2016 में उनके प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मलयालम के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नयनतारा ने अन्नामिका 2014 और माया 2015, कुल्ला मावू और कोकिला 2018, एरा 2019 और नेत्रिकान 2022 सहित सफल महिला केंद्रित फिल्मों के साथ खुद को स्थापित किया था। अभिनेत्री नयनतारा के अन्य सफल और उल्लेखनीय कार्यों में गजनी 2005 और बिल्ला 2007 के साथ यार्दिनी मोहिनी 2008 और बॉडीगार्ड 2010, कृष्णम वंदे और जगरुदम 2012 और थानी ओरुवान 2015 और कासमोरा 2016 जैसे एक से बढ़कर एक फिल्म में काम की है। अभिनेत्री नयनतारा ने बाद में तमिल और तेलुगु फिल्म में काम करना शुरू किया, जो कि 2005 में उन्होंने हरि और अध्याय की कास्ट किया गया और तमिल फिल्म उद्योग में फिल्म की मुख्य नायिका के रूप में डेब्यू किया था। और दोस्तों बात की जाए, उसने तमिल और सनसनीखेज शुरुआत की, जबकि नौरुंग जो कि नौरिंग.com ने एक समीक्षकों ने कहा कि उसकी सुंदर और मुस्कान के साथ उपस्थिति भीड़ जाती है। और आय की शूटिंग के दौरान उन्होंने कॉमेडी हर फिल्म चंद्रमुखी के लिए चुना गया था। इसके निर्देशक बी.पी. बासु ने पत्नी ने मन सिकारे को देखा था और उनकी सिफारिश की थी और यह फिल्म सिनेमा घर में 800 से अधिक दिनों तक चली थी। अंत नयनतारा को तमिल में सबसे अधिक मांग वाली अभिनेत्रियों में से बदल दिया गया था। उन्होंने मलयालम और ठस्कर वरिन और रप्पा कॉल में भी अभिनय किया था, जो कि बाद में उस वर्ष एक ए आर मुगुद्रास की गजनी में दिखाई दिए थे, जिसमें उन्होंने एक माध्यमीय महिला किरदार निभाया था, जो कि नयनतारा ने तब से पेरा रसु निर्देशित मसला फिल्म शिवकाशी में खुद को रूपमेट और टाइटम नंबर में दिखाई दिए थे। 2006 में नयनतारा की पहली रिलीज कल्ला वनी और कधिली थी, जो कि उनका प्रदर्शन किया था, और ताकत था, जो कि उन्होंने अगली बार तेलुगु में अपनी शुरुआत की थी। फिल्म लक्ष्मी में अभिनय किया, जिसके बाद उन्होंने बस और आई लव यू में अभिनय किया था। तीन तमिल फिल्म में जिनमें से उन्होंने प्रमुख महिला पात्रों की भूमिका निभाई और कल्लवन, थलाई मगन और ई दीपावली 2006 के दौरान एक साथ रिलीज हुई थी। दोस्तों तीनों फिल्म ने मिश्रित समीक्षाएं मिली और वल्लवन में उसने एक लेंचर का किरदार निभाया था, जिसमें अपने से कम उम्र की एक छात्रा से प्यार हो जाता है। और सीपी ने लिखा कि नयनतारा वस्तुतः फिल्म के साथ चली जाती है और दोस्तों कभी इतनी सुंदर नहीं दिखती है कि वो विशेष रूप से गीतों में बहुत खूबसूरत दिखती है और अपनी अच्छी तरह से तैयार की गई भूमिका के साथ नयनतारा की अन्याय करती है। और साइंस फिक्शन थ्रिलर में नयनतारा ने एक बार डांसर की भूमिका में दिखाई दी है। अभिनेत्री नयनतारा की तो बात की जाए तो यह एक 2008 की उनकी 5 रिलीज हुई फिल्म, जिनमें से 4 तमिल में थी और उनकी पहली रिलीज पारिवारिक मनोरंजक फिल्म यारदिनी और मोहिनी थी, जो कि नयनतारा ने अपने
धमाकेदार अभिनय को दूर कर दिया था और तरीके से रगड़े जाने पर शांति शातिर अवमन्ना दिखती है और गीतों में प्यार लगती है प्यारी लगती है। और newwarning.com ने कहा कि अपने अभिनय कौशल को पूर्ण मां में प्रदर्शित करती है और भावनात्मक दृश्य में एक चलती फिरती प्रतुष्टि देखती है। जबकि दोस्तों सिफी के आलोचक ने लिखा कि वह सनसनी खेज दिखती है और उसके शायद सबसे भावनापूर्ण भूमिका में बहुत अच्छा काम किया है और अब तक किया है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तमिल के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए अपने दूसरे नामांकन के अलावा उसके बाद की प्रतिष्ठित 2008 में कुसेरलन और सत्यम और एगलन में थी, जो कि 2009 में वह बिल्लू और अधवन में दिखाई दी थी, जो कि 2010 में उनकी सभी रिलीज जिसमें उन्होंने महिला प्रधान के रूप में दिखाई दिए थे। व्यावसायिक रूप से सफल रही और उन्होंने 4 दक्षिण भाषाओं की अधूर तेलुगु बॉडीगार्ड, मलयालम और सिम्हा तेलुगु बॉस में बॉक्स और ऑफिस पर 5 हिट फिल्मों में थी, जो कि अगिरा भास्कर की तमिल और सुपर कन्नड़ उन्होंने बॉडीगार्ड में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का एशियानेट पुरस्कार जीता था। उन्होंने बॉडीगार्ड ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का एशियानेट पुरस्कार जीता और बाद के 3 विशेष रूप से न्यायांतरा के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय थे और सिन्हा बॉस की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई है। बात की जाए दोस्तों अभिनेत्री नयनतारा और सुपरस्टार अभिनेता विजय की जोड़ी यह फिल्म में बिगिल में आपको जबरदस्त भूमिका के साथ देखने को मिलेगा। वैसे ही दोस्तों फिल्म में अभिनेत्री नयनतारा और विजय के साथ जोड़ी इस फिल्म में जबरदस्त चली है और वैसे ही दोस्तों यह फिल्म में जैकी श्रॉफ भी अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ देखने को मिले हैं। जैकी श्रॉफ जो कि जिन्होंने जैकी श्रॉफ के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता और पूर्व मॉडल है, जो कि वह 4 दशक से अधिक समय से बॉलीवुड उद्योग में से और 2020 तक हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, भोजपुरी के साथ साथ कोंकणी, ऑडियो, गुजराती जैसी 13 भाषा की फिल्मों में 220 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए हैं। इनकी अभिनय करियर की शुरुआत की ओर नजर डाले तो दोस्तों जैकी श्रॉफ ने 11वीं कक्षा के बाद स्कूली छोड़ दिया था। 2006 में जैकी श्रॉफ ने बच्चों की फिल्म भूत अंकल में अभिनय किया और उसके बाद 2010 में वह फिल्म भूत और फ्रेंडसन में दिखाई दिए थे। 2011 में उन्होंने गुरु भाई ठक्कर द्वारा निर्देशित फिल्म सरदा इन द नेम ऑफ गॉड में एक छोटी भूमिका निभाई और 2017 में जैकी श्रॉफ ने कोंकणी में अपनी शुरुआत की, जो कि फिल्म सोल करी में अभिनय किया था जिसने उन्होंने एक पुरस्कार भी दिलाया और इसके बाद वह 2019 की रिलीज होने वाली एक कोंकणी फिल्म में अभिनय करने वाले जिसका नाम कंतरा था। अक्टूबर 2018 में उन्होंने एक लघु फिल्म द प्ले बाय मिस्टर सहनी में अभिनय किया, जो कि प्लेटन में देखा गया था। उन्होंने 2019 में की गई फिल्मों में काम करना शुरू किया, जैसे कि फिर की भारत और साहो और रोमियो, अकबर अल्टर और प्रार्थनम में भी अभिनय करने जा रहे हैं, जो कि असली फजल और संजय दत्त के साथ इसी नाम की तेलुगु फिल्म हिंदी रीमेक है। अभिनेत्री नयनतारा जो कि यह फिल्म में
जैकी श्रॉफ और विजय के साथ फिल्म बनी जो कि बिग गिल, जो कि आजकल भी फिल्म देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। और दोस्तों आपको बतलाएंगे कि यह फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में आपको यूट्यूब पे आपको कहां से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी चीजों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। और बात की जाए दोस्तों अभिनेता विजय, जो कि जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जिन्हें पेशावर रूप से विजय के रूप में जाने जाते हैं, भारतीय अभिनेता और गायक है जो कि मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। वह भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं और उन्होंने 66वें फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स ने उन्हें निरंतर कलाकार के रूप में चिन्हित किया था। और थल्लापथी के रूप में सदाभिर्त विजय का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महत्वपूर्ण अनुसरण है, जो कि उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें से दोस्तों ये साउथ इंडियन की इंटरनेशनल मूवी अवार्ड है। और यह सुपरस्टार अभिनेता विजय के साथ फिल्म में अभिनेत्री नयनतारा भी अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ दिखाई देगी। दोस्तों अब नजर डालें सुपरस्टार अभिनेता विजय की अभिनय करियर की शुरुआत की ओर नजर डालें तो दोस्तों सन 2000 में उन्होंने कन्नुकुल नीलावु में अभिनय किया, जो कि विजय की 25वीं गंभीर रूप से सफल फिल्म थी। साथ ही दो व्यावसायिक रूप से सफल रोमांस फिल्म कुशी और प्रिया मनम वाले उनकी अगली सफल फिल्म फ्रेंडसम और बद्री और शाहजहां थी, जो कि सन 2002 में उन्होंने हिंदी अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के साथ एक्शन फिल्म थमीजान में अभिनय किया था। बाद में उन्होंने रोमांटिक फिल्म युद्ध और एक्शन फिल्म भागवती में अभिनय किया था। विजय ने 2003 की शुरुआत कॉमेडी फिल्म वासीगरा में और सुपर चैनूरल फिल्म पुडिया गीताई से की थी। 2003 में एक्शन रोमांस फ्रेक और थिरुमलाई के बाद एस धरानी द्वारा निर्देशित और ए एम रतन द्वारा निर्मित फिल्म गिल्ली रिलीज हुई थी। इसमें मुख्य भूमिका में विजय के साथ त्रिशा और प्रकाश राज ने सह अभिनय किया था। गिल्ली घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 500 मिलियन या 50 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली अब तक की पहली तमिल फिल्म थी। फिल्म ने मलेशियाई बाजार में लगभग ₹5 लाख की कमाई की और गिल्ली ने रिलीज के पहले सप्ताहांत में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा फिल्म देखने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था, जो कि पहले इसके द्वारा आयोजित किया गया था कि एमजी रामचंद्र की आदि माई पेन 1969 की गिल्ली को अनुकूल समीक्षा मिली थी। उसके बाद दोस्तों 2007 के अंत में विजय ने रोमांटिक थ्रिलर फिल्म अजगियम, जो कि तमिल मगनन में अभिनय किया था, जहां उन्होंने एक ही समय में नायक और प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई थी। अजगिया जो कि तमिल मगन ने विदेशों में 1.0 जो कि $43 मिलियन की कमाई की और जो कि 2007 की विदेशी बॉक्स ऑफिस पर सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। स्क्रीन और डेली एक ब्रिटिश पत्रिका ने बताया था कि अजगिया तमिल मगन ने मलेशियाई शीर्षक 10 और एशियाई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर हिट चार्ट में प्रवेश किया था। 2007 में व्यावसायिक रूप से सफल और व्यतिकरण 2009 को छोड़कर अजगिया तमिल मगनम और कुरुवी और उसके बाद सभी रिलीज बिल्लू औसत सफल थे और तीनों फिल्म ने विदेशों में अधिक सफल रही थी। 2009 में विजय और दक्षिण की भारत में सबसे
अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक बन गए हैं। 2010 में उन्होंने एक्शन कॉमेडी फिल्म सूर्य में अभिनय किया जो कि बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। सूर्य जो कि मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 50वीं फिल्म थी। उसके बाद दोस्तों 2011 में शुरुआती विजय की रोमांटिक कॉमेडी कवलन के लिए निर्देशक सिद्दीकी के साथ जुड़ गए और इसे दुनिया भर में 102 करोड़ रुपए के बॉक्स ऑफिस का संग्रह किया था। साथ ही साथ दोस्तों दर्शकों और आलोचकों दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी और कवलन को चीन में शंघाई अंतरराष्ट्रीय फिल्म मत्तहोस में प्रदर्शित किया गया था। कवलन चीन में एक व्यावसायिक सफलता थी और उसी वर्ष दिवाली के दौरान उनकी अगली रिलीज एम राजा द्वारा निर्देशित और वेणु रविचंद्र द्वारा निर्मित एक्शन फिल्म वेला युद्धम रिलीज हुई थी। वेला युद्धम 2011 की शीर्षक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई है। वेला युद्धम जापानी दर्शकों के बीच एक महत्वपूर्ण सफल रही थी। उसके बाद दोस्तों 2012 में विजय की अगली रिलीज नाबनम को ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। उसके बाद दोस्तों बात की जाए तो 2019 की सुपरहिट फिल्म जो कि 2019 की रिलीज में हुई थी बिग गिल जो कि एटली द्वारा निर्देशित एक फुटबॉल एक्शन फिल्म है जो कि विजय ने फिल्म में अपनी भूमिका के लिए विशेष प्रदर्शन लिया था। फिल्म बिग गिल को विजय की दशक की अंतिम फिल्म थी जो कि बिग गिल को आलोचकों से मिश्र समीक्षाएं मिली थी। लेकिन दोस्तों विजय की फिल्म के भीतर और उनके पात्रों को चित्रण करने के लिए प्रशंसा मिली थी। यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिसने 300 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की और 2019 को सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई थी। इसके बाद दोस्तों रिलीज 3 महीने के भीतर और विजय के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। फिल्म बिग गिल को जो कि मिस्त्रन और जार्डन में रिलीज हुई और पहली तमिल फिल्म थी जो कि 2020 में बिग गिल की जर्मनी में फिर से रिलीज होने वाली पहली तमिल फिल्म थी। उसी वर्ष के दौरान लोकेश कंगराजा को जेबिया ब्रेटो द्वारा निर्मित विजय की फिल्म मास्टर के निर्देशक के रूप में चुना गया था। और बात की जाए दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय और अभिनेत्री नयनतारा की जोड़ी आपको काफी जबरदस्त भूमिका में आपको देखने को मिलेगा। बात की जाए दोस्तों फिल्म की कहानी की ओर नजर डाले तो दोस्तों माइकल जो कि रापन्ना और राय पुनम चेन्नई में एक गैंगस्टर है जो कि अन्नी और जुगनी जो लोगों के कल्याण के लिए काम करता है और फिजियो थोरे पिस्टिवल और एजेंट आशीर्वाद के साथ उनका एक हास्यपूर्ण रिश्ता है जो कि माइकल का डेनियल नाम ने एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर के साथ झगड़ा चल रहा है और एक रात डेनियल माइकल और उसके करीबी दोस्त के थ्रिलर पर हमला करता है जो कि दोस्तों तमिलनाडु महिला फुटबॉल टीम के कोच है जो कि हमले के दौरान कथिर को चोट लग जाती है और जिसके कारण वह एक साल से लकवाग्रस्त है और महिला फुटबॉल टीम को दिल्ली में होने वाली आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति देने के लिए कथिर ने TNFA से अनुरोध किया है। उन्होंने बिग गिल नाम के अपने पूर्व साथी के साथ बदलने के लिए जो कि वास्तव में माइकल है जो कि 7 साल से पहले
माइकल एक आकांक्षी फुटबॉलर थे। उन्होंने कथिर और उनकी टीम के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की जीत में योगदान दिया और जिसने उनके पिता रप्यानम थे जो कि एक क्राइम बॉस थे जो जिनका प्रतिद्वंदी गैस्टर और एलेक्स डेनियल के पिता के साथ झगड़ा था और रैपन ने फुटबॉल के लिए माइकल के जुनून को प्रोत्साहित किया था क्योंकि दोस्तों वह नहीं चाहते थे कि उनका अंत उनकी तरह एक गैंगस्टर के रूप में है जबकि रायपन के आपराधिक रिकॉर्ड के कारण माइकल और एक आईएफटी में शामिल नहीं हो पाए। और दोस्तों बात की जाए तो यह वर्तमान समय में माइकल और डेनियल का सामना करता है और पहले के हमले के लिए उसके मारने का प्रयास करता है लेकिन दोस्तों पुलिस डेनियल को गिरफ्तार करने और उसे जेल भेजने के लिए हस्तक्षेप करती है। माइकल ने बाद में महिला फुटबॉल टीम के कोच के कथित के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और एंजल और टीम के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। हालांकि दोस्तों उसकी अपराधी पृष्ठभूमि के कारण लड़कियों ने उसके साथ असहयोग करने से इनकार कर दिया था जहां तक कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप में मणिपुर के हाथों टीम की शुरुआती और हर के लिए उसे दोषी ठहराया था और दोस्तों फाउंडेशन से उसे ठहराने का अनुरोध किया जो कि उदास और माइकल शर्मा को अपना इस्तीफा देते हैं लेकिन दोस्तों जल्द ही पता चलता है कि शर्मा और उसे भारतीय फुटबॉल टीम ने अनुमति देने के लिए रैपन के हाथों हुए और अपमान का बदला लेने के लिए निशाना बनाता है और वह था जिसमें माइकल पर हमला करने के लिए सशस्त्र और हमलावर को भेजे थे जो कि मणिपुर फुटबॉल मैच से पहले। हालांकि माइकल और लड़कियों को उनका समर्थन करने के लिए मना लेता है। स्पीकर भी हाजिर हुए हैं जैसे कि दोस्तों यह फिल्म में सुपरस्टार कौन कौन है और यह फिल्म का डायरेक्टर कौन है। दोस्तों साथ ही साथ फिल्म की रिलीज डेट और यह फिल्म का संगीत कौन दिया था और इस फिल्म की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी जानकारी आपको इस वीडियो में हम बतलाएंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि यह फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में आपको यूट्यूब पे कहाँ से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी चीजों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों इसी के साथ चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म बिगिल जो कि यह एक भारतीय तमिल भाषा की स्पष्ट एक्शन फिल्म है जिसे एटली द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था और AGS इंटरटेनमेंट के बैनर तले कलापनाथी और एस आरोधम द्वारा निर्मित फिल्म में विजय मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इसमें अन्य प्रमुख भूमिकाओं में नयनतारा, जैकी श्रॉफ, विवेक और कार्थित भी हैं। यह फिल्म माइकल रैपन और उर्फ के इर्द गिर्द घूमती है। बिगिल जो कि एक फुटबॉल से गैंगस्टर बन जाता है जो एक महिला फुटबॉल टीम को कोच करने का फैसला करता है जबकि उनके कोच पर हमला होता है और दोस्तों वह चुनौती का सामना करता है जबकि उस हिंसक पृष्ठभूमि के कारण उसकी टीम उसके साथ असहयोग नहीं करती है और खुद को कुछ प्रतिबिंबिताओं द्वारा स्वीकार किया जाता है जो बदला लेना चाहता है। और विफा फिल्म को आधिकारिक तौर पर 14 नवंबर 2018 को अपने कामकाजी शीर्षक
थलपति 63 और अभिनेता के रूप में विजय की 63 फिल्म शामिल है और फिल्म जिक्र करते हुए तहत घोषित किया था। और दोस्तों इसे जो उसे थेरी और मैर्सल के बाद विजय और एटली के तीसरे सहयोग को चिहित किया था। इस फिल्म के लिए मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू हुई थी, जहां की मुख्य रूप से चेन्नई और आसपास में हुई थी। दिल्ली की बात की जाए कि दिल्ली में यह फिल्म को दिल्ली में आसपास 2019 की शुरू हुई, जहां की मुख्य रूप से चेन्नई में और दिल्ली में एक मामूली शेड्यूल के साथ 14 अगस्त को समाप्त हुआ था। फिल्म के शीर्षक बिगिल की घोषणा 22 जून 2019 को फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ की गई थी, जो कि फिल्म के संगीत A.R. रहमान ने दिया था, जबकि दोस्तों छायाकांत G.K. विष्णु ने संभाला था और उसके संपादक रूबेंस ने किया था। 180 करोड़ के बजट में बनी फिल्म बिगिल को भारत में 25 अक्टूबर 2019 को दिवाली के मौके पर थिएटर में रिलीज हुई थी और रिलीज पर फिल्म को ज्यादातर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता विजय के प्रदर्शन के साथ संदेश और निर्देशक की प्रशंसा की गई थी, लेकिन दोस्तों आलोचना का उद्देश्य कमजोर और फॉर्मूला वृद्ध पहली छमाही और अत्यधिक लंबाई थी। फिल्म बिगिल जो कि 2019 की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की 50वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है, जिसमें रिलीज होने पर लगभग 285 करोड़ से लेकर 300 करोड़ की कमाई की और यह आगे चलकर सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई थी। और दोस्तों उस समय विजय के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपने 100 दिवसीय थिएटर रन पूरे किए और जो कि सिने अवार्ड तमिल और आनंद विकट सिनेमा अवार्ड 3 और एडिशन अवार्ड और सिम्मा अवार्ड में से प्रत्येक में 2 पुरस्कार जीते हैं। बात की जाए दोस्तों फिल्म में विजय नयनतारा अभिनेत्री और जैकी श्रॉफ कथित विवेक जैसे और बड़े स्टार देखने को आपको इस फिल्म में मिलेंगे। फिल्म की रिलीज 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई थी और यह फिल्म की रनर टाइम की बात करें दोस्तों यह फिल्म का रनर टाइम 177 मिनट के साथ इस फिल्म को बनाई गई थी। फिल्म बिगिल को तमिल भाषा के साथ इस फिल्म को इंडिया में रिलीज किया गया था। और बात की जाए दोस्तों फिल्म की तो यह फिल्म में विजय और अभिनेत्री नयनतारा की जोड़ी आपको जबरदस्त भूमिका के साथ देखने को आपको मिलेगा। बात की जाए दोस्तों फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में है, जो कि माइकल रैपियन एक गैंगस्टर से तमिलनाडु महिला फुटबॉल टीम के कोच बने और पूर्व फुटबॉलर जो कि कोड नाम और बिगिल के तहत खेलते थे। वैसे ही दोस्तों अभिनेत्री नयनतारा जो कि यह फिल्म में एजेंट आशीर्वाद के रूप में नयनतारा माइकल की प्रेम रुचि एक फिजियो और थेरेपिस्ट के किरदार में है, जो कि जेके शर्मा अखिल और भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के रूप में जैकी श्रॉफ भी अपना किरदार निभाए हैं। कथित के रूप में काथिर माइकल का साथी है, जो कि विवेक नेसी के रूप में है। और दोस्तों डेनियल बालाजी जो कि डेनियल एक ड्रग डीलर और गैंगस्टर है, जो कि आनंद के रूप में है। डोनाल्ड के रूप में योगी बाबू है, जो कि फिल्म बिगिल में आई एम विजयन और एलेक्स डेनियल के पिता के रूप में है। और दोस्तों बात की जाए फिल्म बिगिल की विकास जो कि सरकार 2018 के निर्माण के दौरान यह बताया गया था कि निर्देशक एक विनोद हरि और मोहन राजा दो और पेरा स्वरू को विजय की 63वीं फिल्म का निर्देशक करने के लिए अनुबंधित किया जाएगा। फिल्म की सुपरस्टार अभिनेत्री जो कि नयनतारा यह एक भारतीय अभिनेत्री है, जो कि सुपरस्टार अभिनेता विजय के साथ फिल्म बिगिल में आपको देखने को मिलेगी।
नयनतारा जिन्होंने पेशावर रूप से नयनतारा के नाम से भी जाना जाता है और यह एक भारतीय अभिनेत्री फिल्म निर्माता है और जो कि मुख्य रूप से तेलुगु और मलयालम फिल्म के साथ साथ तमिल फिल्म में भी दिखाई देती है। भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक है और वह फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी सह की सूची में 2018 की सूची में प्रदर्शित होने वाली एकमात्र दक्षिण भारतीय अभिनेत्री थी, जिनकी दोस्तों कुल वार्षिक कमाई 15.17 करोड़ की थी और नयनतारा ने 2 दशकों में फैली 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। कई पुरस्कार जीते हैं और उनमें से लोकप्रिय पुरुष से भारतीय सिनेमा की लेडी सुपरस्टार के रूप में संबोधित किया जाता है। अभिनेत्री नयनतारा ने अपने अभिनय की शुरुआत मलयालम फिल्म मानसिन नकारे 2003 से की और उन्होंने आया जो कि 2005 के साथ तमिल सिनेमा में एक लक्ष्मी और 2006 के साथ तेलुगु सिनेमा में अपनी शुरुआत की थी। पैरानिक के फिल्म श्री राम राज्यम 2011 में देवी सीता ने उनके चित्रण ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार तेलुगु और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नदी पुरस्कार अर्जित किया था। उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा राजा रानी 2013 और एक्शन कॉमेडी नानम राउडी धान में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए तमिल फिल्म और तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार जीता था। 2015 में राजनीतिक ड्रामा अरान 2017 और अपराध नाटक पुथिया नियम 2016 में उनके प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मलयालम के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नयनतारा ने अन्नामिका 2014 और माया 2015, कुल्ला मावू और कोकिला 2018, एरा 2019 और नेत्रिकान 2022 सहित सफल महिला केंद्रित फिल्मों के साथ खुद को स्थापित किया था। अभिनेत्री नयनतारा के अन्य सफल और उल्लेखनीय कार्यों में गजनी 2005 और बिल्ला 2007 के साथ यार्दिनी मोहिनी 2008 और बॉडीगार्ड 2010, कृष्णम वंदे और जगरुदम 2012 और थानी ओरुवान 2015 और कासमोरा 2016 जैसे एक से बढ़कर एक फिल्म में काम की है। अभिनेत्री नयनतारा ने बाद में तमिल और तेलुगु फिल्म में काम करना शुरू किया जो कि 2005 में उन्होंने हरि और अध्याय की कास्ट किया गया और तमिल फिल्म उद्योग में फिल्म की मुख्य नायिका के रूप में डेब्यू किया था। और दोस्तों बात की जाए उसने तमिल और सनसनीखेज शुरुआत की जबकि नौरुंग जो कि नौरिंग.com ने एक समीक्षकों ने कहा कि उसकी सुंदर और मुस्कान के साथ उपस्थिति भीड़ जाती है। और आय की शूटिंग के दौरान उन्होंने कॉमेडी हर फिल्म चंद्रमुखी के लिए चुना गया था। इसके निर्देशक बी पी बासु ने पत्नी ने मन सिकारे को देखा था और उनकी सिफारिश की थी और यह फिल्म सिनेमा घर में 800 से अधिक दिनों तक चली थी। अंत नयनतारा को तमिल में सबसे अधिक मांग वाली अभिनेत्रियों में से बदल दिया गया था। उन्होंने मलयालम और ठस्कर वरिन और रप्पा कॉल में भी अभिनय किया था जो कि बाद में उस वर्ष एक ए आर मुगुद्रास की गजनी में दिखाई दिए थे जिसमें उन्होंने एक माध्यमीय महिला किरदार निभाया था जो कि नयनतारा ने तब से पेरा रसु निर्देशित मसला फिल्म शिवकाशी में खुद को रूप में और टाइटम नंबर में दिखाई दिए थे। 2006 में नयनतारा की पहली रिलीज कल्ला वनी और कधिली थी
जो कि उनका प्रदर्शन किया था और ताकत था जो कि उन्होंने अगली बार तेलुगु में अपनी शुरुआत की थी। फिल्म लक्ष्मी में अभिनय किया, जिसके बाद उन्होंने बॉस और आई लव यू में अभिनय किया था। 3 तमिल फिल्म में जिनमें से उन्होंने प्रमुख महिला पात्र की भूमिका निभाई और कल्लवन, थलाई मगन और ई दीपावली 2006 के दौरान एक साथ रिलीज हुई थी। दोस्तों, तीनों फिल्म ने मिश्रित समीक्षाएं मिली और वल्लवन में उसने एक लेंचर का किरदार निभाया था, जिसमें अपने से कम उम्र की एक छात्रा से प्यार हो जाता है। और सीपी ने लिखा कि नयनतारा वस्तुतः फिल्म के साथ चली जाती है और दोस्तों कभी इतनी सुंदर नहीं दिखती है कि वो विशेष रूप से गीतों में बहुत खूबसूरत दिखती है और अपनी अच्छी तरह से तैयार की गई भूमिका के साथ नयनतारा की करती है अन्याय करती है। और साइंस फिक्शन थ्रिलर में नयनतारा ने एक बार डांसर की भूमिका में दिखाई दी है। अभिनेत्री नयनतारा की तो बात की जाए तो यह एक 2008 की उनकी 5 रिलीज हुई फिल्म, जिनमें से 4 तमिल में थी और उनकी पहली रिलीज पारिवारिक मनोरंजक फिल्म यारदिनी और मोहिनी थी, जो कि नयनतारा ने अपने धमाकेदार अभिनय को दूर कर दिया था और तरीके से रगड़े जाने पर शातिर अवमन्ना दिखती है और गीतों में प्यारी लगती है। और newarning.com ने कहा कि अपने अभिनय कौशल को पूर्ण माह में प्रदर्शित करती है और भावनात्मक दृश्य में एक चलती फिरती प्रतुष्टि देखती है। जबकि दोस्तों सीफी के आलोचक ने लिखा कि वह सनसनीखेज दिखती है और उसके शायद सबसे भावनापूर्ण भूमिका में बहुत अच्छा काम किया है और अब तक किया है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तमिल के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए अपने दूसरे नामांकन के अलावा उसके बाद की प्रतिष्ठित 2008 में कुसेरलन और सत्यम और एगलन में थी, जो कि 2009 में वह बिल्लू और अधवन में दिखाई दी थी, जो कि 2010 में उनकी सभी रिलीज जिसमें उन्होंने महिला प्रधान के रूप में दिखाई दिए थे। व्यावसायिक रूप से सफल रही और उन्होंने 4 दक्षिण भाषाओं की अधूर तेलुगु बॉडीगार्ड, मलयालम और सिम्हा तेलुगु बॉस में बॉक्स और ऑफिस पर 5 हिट फिल्मों में थी, जो कि अगिरा भास्कर की तमिल और सुपर कन्नड़ उन्होंने बॉडीगार्ड में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का एशियानेट पुरस्कार जीता था। उन्होंने बॉडीगार्ड में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का एशियानेट पुरस्कार जीता और बाद के 3 विशेष रूप से नयनतारा के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय थे और सिन्हा बॉस की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई है। बात की जाए दोस्तों अभिनेत्री नयनतारा और सुपरस्टार अभिनेता विजय की जोड़ी, यह फिल्म में बिग गिल में आपको जबरदस्त भूमिका के साथ देखने को मिलेगा। वैसे ही दोस्तों फिल्म में अभिनेत्री नयनतारा और विजय के साथ जोड़ी इस फिल्म में जबरदस्त चली है और वैसे ही दोस्तों यह फिल्म में जैकी श्रॉफ भी अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ देखने को मिले हैं। जैकी श्रॉफ, जो कि जिन्होंने जैकी श्रॉफ के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता और पूर्व मॉडल है, जो कि वह 4 दशक से अधिक समय से बॉलीवुड उद्योग में से और 2020 तक हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, भोजपुरी के साथ साथ कोकली, ऑडियो, गुजराती जैसी 13 भाषा की फिल्मों में 220 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए हैं।
इनकी अभिनय करियर की शुरुआत की ओर नजर डाले तो दोस्तों जैकी श्रॉफ ने 11वीं कक्षा के बाद स्कूली छोड़ दिया था। 2006 में जैकी श्रॉफ ने बच्चों की फिल्म भूत अंकल में अभिनय किया और उसके बाद 2010 में वह फिल्म भूत और फ्रेंडसन में दिखाई दिए थे। 2011 में उन्होंने गुरु भाई ठक्कर द्वारा निर्देशित फिल्म सरदा इन द नेम ऑफ गॉड में एक छोटी भूमिका निभाई और 2017 में जैकी श्रॉफ ने कोंकली में अपनी शुरुआत की, जो कि फिल्म सोल करी में अभिनय किया था, जिसने उन्होंने एक पुरस्कार भी दिलाया और इसके बाद वह 2019 की रिलीज होने वाली एक कोंकली फिल्म में अभिनय करने वाले, जिसका नाम कंतरा था। अक्टूबर 2018 में उन्होंने एक लघु फिल्म द प्ले बाय मिस्टर सहनी में अभिनय किया, जो कि प्लेटन में देखा गया था। उन्होंने 2019 में की गई फिल्मों में काम करना शुरू किया, जैसे कि फिर की भारत और साहो और रोमियो, अकबर अल्टर और प्रार्थनम में भी अभिनय करने जा रहे हैं, जो कि असली फजल और संजय दत्त के साथ इसी नाम की तेलुगु फिल्म हिंदी रीमेक है। अभिनेत्री नयनतारा, जो कि यह फिल्म में जैकी श्रॉफ और विजय के साथ फिल्म बनी, जो कि बिग गिल, जो कि आजकल भी फिल्म देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। और दोस्तों आपको बतलाएंगे कि यह फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में आपको यूट्यूब पे आपको कहां से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी चीजों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। और बात की जाए दोस्तों अभिनेता विजय, जो कि जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जिन्हें पेशावर रूप से विजय के रूप में जाने जाते हैं, भारतीय अभिनेता और गायक है, जो कि मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। वह भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं और उन्होंने 66वें फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स ने उन्हें निरंतर कलाकार के रूप में चिन्हित किया था। और थल्लापति के रूप में सदाभिर्त विजय का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महत्वपूर्ण अनुसरण है, जो कि उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें से दोस्तों एस साउथ इंडियन की इंटरनेशनल मूवी अवार्ड है और यह सुपरस्टार अभिनेता विजय के साथ फिल्म में अभिनेत्री नयनतारा भी अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ दिखाई देगी। दोस्तों नजर डाले सुपरस्टार अभिनेता विजय की अभिनय करियर की शुरुआत की ओर नजर डाले तो दोस्तों सन 2000 में उन्होंने कन्नुकुल नीलावू में अभिनय किया, जो कि विजय की 25वीं गंभीर रूप से सफल फिल्म थी। साथ ही दो व्यावसायिक रूप से सफल रोमांस फिल्म कुशी और प्रेमी प्रिया मनम वाले उनकी अगली सफल फिल्म फ्रेंडसम और बद्री और शाहजहां थी, जो कि सन 2002 में उन्होंने हिंदी अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के साथ एक्शन फिल्म थमी जान में अभिनय किया था। बाद में उन्होंने रोमांटिक फिल्म युद्ध और एक्शन फिल्म भागवती में अभिनय किया था। विजय ने 2003 की शुरुआत कॉमेडी फिल्म वासीगरा में और सुपर चैनूरल फिल्म पुडिया गीताई से की थी। 2003 में एक्शन रोमांस फ्रेक और थिरुमलाई के बाद एस धरानी द्वारा निर्देशित और A.M. रतन द्वारा निर्मित फिल्म गिल्ली रिलीज हुई थी। इसमें मुख्य भूमिका में विजय के साथ त्रिशा और प्रकाश राज ने सह अभिनय किया था। गिल्ली घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 500 मिलियन या 50 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली अब तक की पहली तमिल फिल्म थी। फिल्म ने मलेशियाई बाजार में लगभग ₹5 लाख की कमाई की और गिल्ली ने रिलीज के पहले सप्ताहांत में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा फिल्म देखने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था,
जो कि पहले इसके द्वारा आयोजित किया गया था कि एम एस जी रामचंद्र की आदि माई पेन 1969 की घिल्ली को अनुकूल समीक्षा मिली थी। उसके बाद दोस्तों 2007 के अंत में विजय ने रोमांटिक थ्रिलर फिल्म अजगियम जो कि तमिल मगनान में अभिनय किया था, जहां उन्होंने एक ही समय में नायक और प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई थी। अजगिया जो कि तमिल मगन ने विदेशों में 1.0 जो कि 43 मिलियन डॉलर की कमाई की और जो कि 2007 की विदेशी बॉक्स ऑफिस पर सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। स्क्रीन और डेली एक ब्रिटिश पत्रिका ने बताया था कि अजगिया तमिल मगन ने मलेशियाई शीर्षक 10 और एशियाई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर हिट चार्ट में प्रवेश किया था। 2007 में व्यावसायिक रूप से सफल और व्यतिकरण 2009 को छोड़कर अजगिया तमिल मगनम और कुरुवी और उसके बाद सभी रिलीज बिल्लू औसत सफल थे और तीनों फिल्म ने विदेशों में अधिक सफल रही थी। 2009 में विजय और दक्षिण की भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक बन गए हैं। 2010 में उन्होंने एक्शन कॉमेडी फिल्म सूर्य में अभिनय किया जो कि बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। सूर्य जो कि मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 50वीं फिल्म थी। उसके बाद दोस्तों 2011 में शुरुआती विजय की रोमांटिक कॉमेडी कवलन के लिए निर्देशक सिद्दीकी के साथ जुड़ गए और इसे दुनिया भर में 102 करोड़ रुपए के बॉक्स ऑफिस का संग्रह किया था। साथ ही साथ दोस्तों दर्शकों और आलोचकों दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी और कवलन को चीन में शंघाई अंतरराष्ट्रीय फिल्म मद्दाहोश में प्रदर्शित किया गया था। कवलन चीन में एक व्यावसायिक सफलता थी और उसी वर्ष दिवाली के दौरान उनकी अगली रिलीज एम राजा द्वारा निर्देशित और वेणु रविचंद्र द्वारा निर्मित एक्शन फिल्म वेला युद्धम रिलीज हुई थी। वेला युद्धम 2011 की शीर्षक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई है। वेला युद्धम जापानी दर्शकों के बीच एक महत्वपूर्ण सफल रही थी। उसके बाद दोस्तों 2012 में विजय की अगली रिलीज नाबनम को ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। उसके बाद दोस्तों बात की जाए तो 2019 की सुपरहिट फिल्म जो कि 2019 की रिलीज में हुई थी बिगिल जो कि एटली द्वारा निर्देशित एक फुटबॉल एक्शन फिल्म है जो कि विजय ने फिल्म में अपनी भूमिका के लिए विशेष प्रदर्शन लिया था। फिल्म बिगिल को विजय की दशक की अंतिम फिल्म थी जो कि बिगिल को आलोचकों से मिश्र समीक्षाएं मिली थी, लेकिन दोस्तों विजय की फिल्म के भीतर और उनके पात्रों को चित्रण करने के लिए प्रशंसा मिली थी। यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिसने 300 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की और 2019 को सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई थी। इसके बाद दोस्तों रिलीज 3 महीने के भीतर और विजय के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। फिल्म बिगिल को जो कि मिस्त्रन और जार्डन में रिलीज हुई और पहली तमिल फिल्म थी जो कि 2020 में बिगिल की जर्मनी में फिर से रिलीज होने वाली पहली तमिल फिल्म थी। उसी वर्ष के दौरान लोकेश कंगराजा को जेबिया ब्रिटो द्वारा निर्मित विजय की फिल्म मास्टर के निर्देशक के रूप में चुना गया था। और बात की जाए दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय और अभिनेत्री नयनतारा की जोड़ी आपको काफी जबरदस्त भूमिका में
आपको देखने को मिलेगा। बात की जाए दोस्तों फिल्म की कहानी की और नजर डालें तो दोस्तों माइकल जो कि रापन्ना और राय पुनाम चेन्नई में एक गैंगस्टर है जो कि अन्नी और जुगनी जो लोगों के कल्याण के लिए काम करता है और फिर जो थोरे पिस्टल और एजेंट आशीर्वाद में के आशीर्वाद के साथ उनका एक हास्यपूर्ण रिश्ता है जो कि माइकल का डेनियल नाम ने एक प्रतिबिंदिती गैंगस्टर के साथ झगड़ा चल रहा है और एक रात डेनियल माइकल और उसके करीबी दोस्त के थ्रिलर पर हमला करता है जो कि दोस्तों तमिलनाडु महिला फुटबॉल टीम के कोच है जो कि हमले के दौरान कथिर को चोट लग जाती है और जिसके कारण वह एक साल से लकवा ग्रस्त है और महिला फुटबॉल टीम को दिल्ली में होने वाली आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति देने के लिए कथिर ने TNFA से अनुरोध किया है। उन्होंने बिगिल नाम के अपने पूर्व साथी के साथ बदलने के लिए जो कि वास्तव में माइकल है जो कि 7 साल से पहले माइकल एक आकांक्षी फुटबॉलर थे। उन्होंने कथिर और उनकी टीम के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की जीत में योगदान दिया और जिसने उनके पिता रापन्नम थे जो कि एक क्राइम बॉस थे जो जिनका प्रतिद्वंदी गैंगस्टर और एलेक्स डेनियल के पिता के साथ झगड़ा था और रापन ने फुटबॉल के लिए माइकल के जुनून को प्रोत्साहित किया था क्योंकि दोस्तों वह नहीं चाहते थे कि उनका अंत उनकी तरह एक गैंगस्टर के रूप में है जबकि रायपन के आपराधिक रिकॉर्ड के कारण माइकल और एक IFT में शामिल नहीं हो पाए। और दोस्तों बात की जाए तो यह वर्तमान समय में माइकल और डेनियल का सामना करता है और पहले के हमले के लिए उसके मारने का प्रयास करता है लेकिन दोस्तों पुलिस डेनियल को गिरफ्तार करने और उसे जेल भेजने के लिए हस्तक्षेप करती है। माइकल ने बाद में महिला फुटबॉल टीम के कोच के कथित के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और एंजल और टीम के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। हालांकि दोस्तों उसकी अपराधी पृष्ठभूमि के कारण लड़कियों ने उसके साथ असहयोग करने से इनकार कर दिया था जहां तक कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप में मणिपुर के हाथों टीम की शुरुआती और हर के लिए उसे दोषी ठहराया था और दोस्तों फाउंडेशन से उसे ठहराने का अनुरोध किया जो कि उदास और माइकल शर्मा को अपना इस्तीफा देते हैं लेकिन दोस्तों जल्द ही पता चलता है कि शर्मा और उसे भारतीय फुटबॉल टीम ने अनुमति देने के लिए रापन के हाथों हुए और अपमान का बदला लेने के लिए निशाना बनाता है और वह था जिसमें माइकल पर हमला करने के लिए सशस्त्र और हमलावर को भेजे थे जो कि मणिपुर फुटबॉल मैच से पहले। हालांकि माइकल और लड़कियों को उनका समर्थन करने के लिए मना लेता है। यह फिल्म का संगीत कौन दिया था और इस फिल्म की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी जानकारी आपको इस वीडियो में हम बतलाएंगे और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि यह फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में आपको YouTube पे कहां से देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों इन सभी चीजों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों इसी के साथ चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म बिग गिल, जो कि यह एक भारतीय तमिल भाषा की स्पष्ट एक्शन फिल्म है जिसे एटली द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था और एजीएस इंटरटेनमेंट के बैनर तले कलापनाथी और एस आर अघोरम द्वारा निर्मित फिल्म में विजय मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इसमें अन्य प्रमुख भूमिकाओं में नयनतारा, जैकी श्रॉफ, विवेक और कार्थित भी है। यह फिल्म माइकल रेपन और उफ के इर्द गिर्द घूमती है। बिग गिल, जो कि एक फुटबॉल से गैंगस्टर बन जाता है, जो एक महिला फुटबॉल टीम को कोच करने का फैसला करता है जबकि उनके कोच पर हमला होता है। और दोस्तों वह चुनौती का सामना करता है जबकि उस हिंसक पृष्ठभूमि के कारण उसकी टीम उसके साथ सहयोग नहीं करती है और खुद को कुछ प्रतिबिंधिताओं द्वारा स्वीकार किया जाता है जो बदला लेना चाहता है। और विफा फिल्म को आधिकारिक तौर पर 14 नवंबर 2018 को अपने कामकाजी शीर्षक थलपति 63 और अभिनेता के रूप में विजय की 63 फिल्म शामिल है और फिल्म जिक्र करते हुए तहत घोषित किया था। और दोस्तों इसे थेरी और मैरसल के बाद विजय और एटली के तीसरे सहयोग को चिहित किया था। इस फिल्म के लिए मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू हुई थी जहां की मुख्य रूप से चेन्नई और आसपास में हुई थी। दिल्ली की बात की जाए कि दिल्ली में यह फिल्म को दिल्ली में आसपास 2019 की शुरू हुई जहां की मुख्य रूप से चेन्नई में और दिल्ली में एक मामूली शेड्यूल के साथ 14 अगस्त को समाप्त हुआ था। फिल्म के शीर्षक बिग गिल की घोषणा 22 जून 2019 को फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ की गई थी जो कि फिल्म के संगीत A.R. रहमान ने दिया था जबकि दोस्तों छायाकांत जी.के. विष्णु ने संभाला था और उसके संपादक रूबेंस ने किया था। 180 करोड़ के बजट में बनी फिल्म बिग गिल को भारत में 25 अक्टूबर 2019 को दिवाली के मौके पर थिएटर में रिलीज हुई थी और रिलीज पर फिल्म को ज्यादातर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता विजय के प्रदर्शन के साथ संदेश और निर्देशक की प्रशंसा की गई थी लेकिन दोस्तों आलोचना का उद्देश्य कमजोर और फॉर्मूला वृद्ध पहली छमाही और अत्यधिक लंबाई थी। फिल्म बिग गिल, जो कि 2019 की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की 50वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है जिसमें रिलीज होने पर लगभग 250 करोड़ से लेकर 300 करोड़ की कमाई की और यह आगे चलकर सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई थी। और दोस्तों उस समय विजय के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपने 100 दिवसीय थिएटर रन पूरे किए और जो कि सिने अवार्ड तमिल और आनंद विकट सिनेमा अवार्ड 3 और एडिशन अवार्ड और सिम्मा अवार्ड में से प्रत्येक में 2 पुरस्कार जीते हैं। बात की जाए दोस्तों फिल्म में विजय, नयनतारा अभिनेत्री और जैकी श्रॉफ, कथित विवेक जैसे और बड़े स्टार देखने को आपको इस फिल्म में मिलेंगे। फिल्म की रिलीज 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई थी और यह फिल्म की रनर टाइम की बात करें दोस्तों यह फिल्म का रनर टाइम 177 मिनट के साथ इस फिल्म को बनाई गई थी। फिल्म बिग गिल को तमिल भाषा के साथ इस फिल्म को इंडिया में रिलीज किया गया था। और बात की जाए दोस्तों फिल्म की तो यह फिल्म में विजय और अभिनेत्री नयनतारा की जोड़ी आपको जबरदस्त भूमिका के साथ देखने को आपको मिलेगा। बात की जाए दोस्तों फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में है जो कि माइकल रेपन एक गैंगस्टर से तमिलनाडु महिला फुटबॉल टीम के कोच बने और पूर्व फुटबॉलर जो कि कोड नाम और बिग गिल के तहत खेलते थे। वैसे ही दोस्तों
अभिनेत्री नयनतारा जो कि यह फिल्म में एजेंट आशीर्वाद के रूप में नयनतारा माइकल की प्रेम रुचि एक फिजियो और थेरेपिस्ट के किरदार में है जो कि जेके शर्मा अखिल और भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के रूप में जैकी श्रॉफ भी अपना किरदार निभाए हैं। कथित के रूप में काथिर माइकल का साथी है जो कि विवेक नेसी के रूप में है। और दोस्तों डेनियल बालाजी जो कि डेनियल एक ड्रग डीलर और गैंगस्टर है जो कि आनंद के रूप में है। डोनाल्ड के रूप में योगी बाबू है जो कि फिल्म बिगिल में आई एम विजयन और एलेक्स डेनियल के पिता के रूप में है। और दोस्तों बात की जाए फिल्म बिगिल की विकास जो कि सरकार 2018 के निर्माण के दौरान यह बताया गया था कि निर्देशक एक विनोद हरि और मोहन राजा दो और पेरा स्वरू को विजय की 63वीं फिल्म का निर्देशक करने के लिए अनुबंधित किया जाएगा। फिल्म की सुपरस्टार अभिनेत्री जो कि नयनतारा यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कि सुपरस्टार अभिनेता विजय के साथ फिल्म बिगिल में आपको देखने को मिलेगी। नयनतारा जिन्होंने पेशावर रूप से नयनतारा के नाम से भी जाना जाता है और यह एक भारतीय अभिनेत्री फिल्म निर्माता है और जो कि मुख्य रूप से तेलुगु और मलयालम फिल्म के साथ साथ तमिल फिल्म में भी दिखाई देती है। भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक है और वह फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 की सूची में 2018 की सूची में प्रदर्शित होने वाली एकमात्र दक्षिण भारतीय अभिनेत्री थी जिनकी दोस्तों कुल वार्षिक कमाई 15.17 करोड़ की थी। और नयनतारा ने 2 दशकों में फैली 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है, कई पुरस्कार जीते हैं और उनमें से लोकप्रिय पुरुष से भारतीय सिनेमा की लेडी सुपरस्टार के रूप में संबोधित किया जाता है। अभिनेत्री नयनतारा ने अपने अभिनय की शुरुआत मलयालम फिल्म मानसिन नकारे 2003 से की और उन्होंने आया जो कि 2005 के साथ तमिल सिनेमा में एक लक्ष्मी और 2006 के साथ तेलुगु सिनेमा में अपनी शुरुआत की थी। पैरानिक फिल्म श्री रामराज्यम 2011 में देवी सीता ने उनके चित्रण ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार तेलुगु और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नदी पुरस्कार अर्जित किया था। उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा राजा रानी 2013 और एक्शन कॉमेडी नानम राउडी धान में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए तमिल फिल्म और तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार जीता था। 2015 में राजनीतिक ड्रामा रान 2017 और अपराध नाटक पुथिया नियम 2016 में उनके प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मलयालम के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नयनतारा ने अन्नामिका 2014 और माया 2015, कुल्ला मावू और कोकिला 2018, एरा 2019 और नेत्रीकांत 2022 सहित सफल महिला केंद्रित फिल्मों के साथ खुद को स्थापित किया था। अभिनेत्री नयनतारा के अन्य सफल और उल्लेखनीय कार्यों में गजनी 2005 और बिल्ला 2007 के साथ यार्दिनी मोहिनी 2008 और बॉडीगार्ड 2010, कृष्णम वंदे और जगरुदम 2012 और थानी ओरुवान 2015 और कासमोरा 2016 जैसे एक से बढ़कर एक फिल्म में काम की है। अभिनेत्री नयनतारा ने बाद में तमिल और तेलुगु फिल्म में काम करना शुरू किया जो कि 2005 में उन्होंने हरि और अध्याय की कास्ट किया गया और तमिल फिल्म उद्योग में फिल्म की मुख्य नायिका के रूप में डेब्यू किया था।
और दोस्तों बात की जाए, उसने तमिल और सनसनीखेज शुरुआत की, जबकि नौरुंग जो कि नौरिंग.com ने एक समीक्षकों ने कहा कि उसकी सुंदर और मुस्कान के साथ उपस्थिति भीड़ जाती है। और आय की शूटिंग के दौरान उन्होंने कॉमेडी हर फिल्म चंद्रमुखी के लिए चुना गया था। इसके निर्देशक बी पी बासु ने पत्नी ने मन सिकारे को देखा था और उनकी सिफारिश की थी, और यह फिल्म सिनेमा घर में 800 से अधिक दिनों तक चली थी। अंत नयनतारा को तमिल में सबसे अधिक मांग वाली अभिनेत्रियों में से एक बदल दिया गया था। उन्होंने मलयालम और ठस्कर वरिन और रप्पा कॉल में भी अभिनय किया था, जो कि बाद में उस वर्ष एक ए आर मुगुद्रास की गजनी में दिखाई दिए थे, जिसमें उन्होंने एक माध्यमीय महिला किरदार निभाया था, जो कि नयनतारा ने तब से पेरा रसु निर्देशित मसला फिल्म शिवकाशी में खुद को रूपमेट और टाइटम नंबर में दिखाई दिए थे। 2006 में नयनतारा की पहली रिलीज कल्ला वनी और कधिली थी, जो कि उनका प्रदर्शन किया था, और ताकत था, जो कि उन्होंने अगली बार तेलुगु में अपनी शुरुआत की थी। फिल्म लक्ष्मी में अभिनय किया, जिसके बाद उन्होंने बस और आई लव यू में अभिनय किया था। 3 तमिल फिल्म में जिनमें से उन्होंने प्रमुख महिला पात्र की भूमिका निभाई और कल्लवन, थलाई मगन और ई दीपावली 2006 के दौरान एक साथ रिलीज हुई थी। दोस्तों तीनों फिल्म ने मिश्रित समीक्षाएं मिली और वल्लवन में उसने एक लेंचर का किरदार निभाया था, जिसमें अपने से कम उम्र की एक छात्रा से प्यार हो जाता है। और सीपी ने लिखा कि नयनतारा वस्तुतः फिल्म के साथ चली जाती है, और दोस्तों कभी इतनी सुंदर नहीं दिखती है कि वो विशेष रूप से गीतों में बहुत खूबसूरत दिखती है, और अपनी अच्छी तरह से तैयार की गई भूमिका के साथ नयनतारा की करती है अन्याय करती है। और साइंस फिक्शन थ्रिलर में नयनतारा ने एक बार डांसर की भूमिका में दिखाई दी है। अभिनेत्री नयनतारा की तो बात की जाए तो यह एक 2008 की उनकी 5 रिलीज हुई फिल्म, जिनमें से 4 तमिल में थी, और उनकी पहली रिलीज पारिवारिक मनोरंजक फिल्म यारदिनी और मोहिनी थी, जो कि नयनतारा ने अपने धमाकेदार अभिनय को दूर कर दिया था। और तरीके से रगड़े जाने पर शांति सातिर अवमन्ना दिखती है, और गीतों में प्यारी लगती है। और newarning.com ने कहा कि अपने अभिनय कौशल को पूर्ण मां में प्रदर्शित करती है और भावनात्मक दृश्य में एक चलती फिरती प्रतुष्टि देखती है। जबकि दोस्तों सीफी के आलोचक ने लिखा कि वह सनसनीखेज दिखती है और उसके शायद सबसे भावनापूर्ण भूमिका में बहुत अच्छा काम किया है और अब तक किया है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तमिल के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए अपने दूसरे नामांकन के अलावा उसके बाद की प्रतिष्ठित 2008 में कुसेरलन और सत्यम और एगनन में थी, जो कि 2009 में वह बिल्लू और अधवन में दिखाई दी थी, जो कि 2010 में उनकी सभी रिलीज जिसमें उन्होंने महिला प्रधान के रूप में दिखाई दिए थे। व्यावसायिक रूप से सफल रही और उन्होंने 4 दक्षिण भाषाओं की अधूर तेलुगु बॉडीगार्ड, मलयालम और सिम्हा तेलुगु बस में बस
बस में बॉक्स और ऑफिस पर 5 हिट फिल्मों में थी, जो कि अगिरा भास्कर की तमिल और सुपर कन्नड़। उन्होंने बॉडीगार्ड में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का एशिया नेट पुरस्कार जीता था। उन्होंने बॉडीगार्ड ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का एशिया नेट पुरस्कार जीता और बाद के तीन विशेष रूप से नयनतारा के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय थे और सिन्हा वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई है। बात की जाए दोस्तों अभिनेत्री नयनतारा और सुपरस्टार अभिनेता विजय की जोड़ी यह फिल्म में बिग गिल में आपको जबरदस्त भूमिका के साथ देखने को मिलेगा। वैसे ही दोस्तों फिल्म में अभिनेत्री नयनतारा और विजय के साथ जोड़ी इस फिल्म में जबरदस्त चली है। और वैसे ही दोस्तों यह फिल्म में जैकी श्रॉफ भी अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ देखने को मिले हैं। जैकी श्रॉफ जो कि जिन्होंने जैकी श्रॉफ के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता और पूर्व मॉडल है, जो कि वह 4 दशक से अधिक समय से बॉलीवुड उद्योग में से और 2020 तक हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, भोजपुरी के साथ साथ कोंकणी, ऑडियो, गुजराती जैसी 13 भाषा की फिल्मों में 220 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए हैं। इनकी अभिनय करियर की शुरुआत की ओर नजर डाले तो दोस्तों जैकी श्रॉफ ने 11वीं कक्षा के बाद स्कूली छोड़ दिया था। 2006 में जैकी श्रॉफ ने बच्चों की फिल्म भूत अंकल में अभिनय किया और उसके बाद 2010 में वह फिल्म भूत और फ्रेंडसन में दिखाई दिए थे। 2011 में उन्होंने गुरु भाई ठक्कर द्वारा निर्देशित फिल्म सरदा इन द नेम ऑफ गॉड में एक छोटी भूमिका निभाई और 2017 में जैकी श्रॉफ ने कोंकणी में अपनी शुरुआत की, जो कि फिल्म सोल करी में अभिनय किया था, जिसने उन्होंने एक पुरस्कार भी दिलाया। और इसके बाद वह 2019 की रिलीज होने वाली एक कोंकणी फिल्म में अभिनय करने वाले, जिसका नाम कंतरा था। अक्टूबर 2018 में उन्होंने एक लघु फिल्म द प्ले बाय मिस्टर सहनी में अभिनय किया, जो कि प्लेटन में देखा गया था। उन्होंने 2019 में की गई फिल्मों में काम करना शुरू किया, जैसे कि फिर की भारत और साहो और रोमियो, अकबर अल्टर और प्रार्थनम में भी अभिनय करने जा रहे हैं, जो कि असली फजल और संजय दत्त के साथ इसी नाम की तेलुगु फिल्म हिंदी रीमेक है। अभिनेत्री नयनतारा जो कि यह फिल्म में जैकी श्रॉफ और विजय के साथ फिल्म बनी, जो कि बिग गिल, जो कि आजकल भी फिल्म देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। और दोस्तों आपको बतलाएंगे कि यह फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में आपको यूट्यूब पे आपको कहां से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी चीजों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। और बात की जाए दोस्तों अभिनेता विजय, जो कि जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जिन्हें पेशावर रूप से विजय के रूप में जाने जाते हैं, भारतीय अभिनेता और गायक है, जो कि मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। वह भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं और उन्होंने 66वें फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स ने उन्हें निरंतर कलाकार के रूप में चिन्हित किया था। और थल्लापथी के रूप में सरदा भिर्त विजय का अंतरराष्ट्रीय स्तर का महत्वपूर्ण अनुसरण है, जो कि उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें से दोस्तों ये साउथ इंडियन की इंटरनेशनल मूवी अवार्ड है। और यह सुपरस्टार अभिनेता विजय के साथ फिल्म में अभिनेत्री नयनतारा भी अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ दिखाई देगी। दोस्तों अब नजर डालें सुपरस्टार अभिनेता विजय की अभिनय करियर की शुरुआत की ओर नजर डालें तो दोस्तों सन 2000 में उन्होंने कन्नुकुल नीलावू में अभिनय किया, जो कि विजय की 25वीं गंभीर रूप से सफल फिल्म थी। साथ ही
दो व्यावसायिक रूप से सफल रोमांस फिल्म कुशी और प्रेमी प्रिया मनम वाले उनकी अगली सफल फिल्म फ्रेंडसम और बद्री और शाहजहां थी, जो कि सन 2002 में उन्होंने हिंदी अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के साथ एक्शन फिल्म थमीजान में अभिनय किया था। बाद में उन्होंने रोमांटिक फिल्म युद्ध और एक्शन फिल्म भागवती में अभिनय किया था। विजय ने 2003 की शुरुआत कॉमेडी फिल्म वासीगरा में और सुपर चैनूरल फिल्म पुडिया गीताई से की थी। 2003 में एक्शन रोमांस फ्रेक और थिरुमलाई के बाद एस धरानी द्वारा निर्देशित और ए एम रतन द्वारा निर्मित फिल्म गिल्ली रिलीज हुई थी। इसमें मुख्य भूमिका में विजय के साथ त्रिशा और प्रकाश राज ने सह अभिनय किया था। गिल्ली घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 500 मिलियन या 50 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली अब तक की पहली तमिल फिल्म थी। फिल्म ने मलेशियाई बाजार में लगभग ₹50 जो कि 5 लाख की कमाई की और गिल्ली ने रिलीज के पहले सप्ताहांत में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा फिल्म देखने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था, जो कि पहले इसके द्वारा आयोजित किया गया था कि एम एजी रामचंद्र की आदि माई पेन 1969 की गिल्ली को अनुकूल समीक्षा मिली थी। उसके बाद दोस्तों 2007 के अंत में विजय ने रोमांटिक थ्रिलर फिल्म अजगिया जो कि तमिल मगनान में अभिनय किया था, जहां उन्होंने एक ही समय में नायक और प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई थी। अजगिया जो कि तमिल मगन ने विदेशों में 1.0 जो कि $43 मिलियन की कमाई की और जो कि 2007 की विदेशी बॉक्स ऑफिस पर सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। स्क्रीन और डेली एक ब्रिटिश पत्रिका ने बताया था कि अजगिया तमिल मगन ने मलेशियाई शीर्षक 10 और एशियाई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर हिट चार्ट में प्रवेश किया था। 2007 में व्यावसायिक रूप से सफल और व्यतिकरण 2009 को छोड़कर अजगिया तमिल मगरम और कुरुवी और उसके बाद सभी रिलीज बिल्लू औसत सफल थे और तीनों फिल्म ने विदेशों में अधिक सफल रही थी। 2009 में विजय और दक्षिण की भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक बन गए हैं। 2010 में उन्होंने एक्शन कॉमेडी फिल्म सूर्य में अभिनय किया जो कि बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। सूर्य जो कि मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 50वीं फिल्म थी। उसके बाद दोस्तों 2011 में शुरुआती विजय की रोमांटिक कॉमेडी कवलन के लिए निर्देशक सिद्दीकी के साथ जुड़ गए और इसे दुनिया भर में 1 से 2 करोड़ रुपए के बॉक्स ऑफिस का संग्रह किया था। साथ ही साथ दोस्तों दर्शकों और आलोचकों दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी और कवलन को चीन में शंघाई अंतरराष्ट्रीय फिल्म मद्दाहोश में प्रदर्शित किया गया था। कवलन चीन में एक व्यावसायिक सफलता थी और उसी वर्ष दिवाली के दौरान उनकी अगली रिलीज एम राजा द्वारा निर्देशित और वेनु रविचंद्र द्वारा निर्मित एक्शन फिल्म वेला युद्धम रिलीज हुई थी। वेला युद्धम 2011 की शीर्षक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई है। वेला युद्धम जापानी दर्शकों के बीच एक महत्वपूर्ण सफल रही थी। उसके बाद दोस्तों 2012 में विजय की अगली रिलीज नाबनम को ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था।
उसके बाद दोस्तों बात की जाए तो 2019 की सुपरहिट फिल्म जो कि 2019 की रिलीज में हुई थी बिग गिल, जो कि एटली द्वारा निर्देशित एक फुटबॉल एक्शन फिल्म है, जो कि विजय ने फिल्म में अपनी भूमिका के लिए विशेष प्रदर्शन लिया था। फिल्म बिग गिल को विजय की दशक की अंतिम फिल्म थी, जो कि बिग गिल को आलोचकों से मिश्र समीक्षाएं मिली थी। लेकिन दोस्तों विजय की फिल्म के भीतर और उनके पात्रों को चित्रण करने के लिए प्रशंसा मिली थी। यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिसने 300 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की और 2019 को सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई थी। इसके बाद दोस्तों रिलीज 3 महीने के भीतर और विजय के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। फिल्म बिग गिल को जो कि मिस्त्रन और जार्डन में रिलीज हुई और पहली तमिल फिल्म थी जो कि 2020 में बिग गिल की जर्मनी में फिर से रिलीज होने वाली पहली तमिल फिल्म थी। उसी वर्ष के दौरान लोकेश कंगराजा को जेबिया ब्रिटो द्वारा निर्मित विजय की फिल्म मास्टर के निर्देशक के रूप में चुना गया था। और बात की जाए दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय और अभिनेत्री नयनतारा की जोड़ी आपको काफी जबरदस्त भूमिका में आपको देखने को मिलेगा। बात की जाए दोस्तों फिल्म की कहानी की ओर नजर डाले तो दोस्तों माइकल जो कि रापन्ना और राय पुनाम चेन्नई में एक गैंगस्टर है जो कि अन्नी और जुगनी जो लोगों के कल्याण के लिए काम करता है और फिर जो थोरे पिस्टवल और एजेंट आशीर्वाद में के आशीर्वाद के साथ उनका एक हास्यपूर्ण रिश्ता है, जो कि माइकल का डेनियल नाम ने एक प्रतिबिंदिती गैंगस्टर के साथ झगड़ा चल रहा है और एक रात डेनियल माइकल और उसके करीबी दोस्त के थ्रिलर पर हमला करता है, जो कि दोस्तों तमिलनाडु महिला फुटबॉल टीम के कोच है, जो कि हमले के दौरान कथिर को चोट लग जाती है और जिसके कारण वह एक साल से लकवा ग्रस्त है और महिला फुटबॉल टीम को दिल्ली में होने वाली आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति देने के लिए कथिर ने TNFA से अनुरोध किया है। उन्होंने बिग गिल नाम के अपने पूर्व साथी के साथ बदलने के लिए, जो कि वास्तव में माइकल है, जो कि 7 साल से पहले माइकल एक फुटबॉलर थे। उन्होंने कथिर और उनकी टीम के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की जीत में योगदान दिया और जिसने उनके पिता रापियानम थे जो कि एक क्राइम बॉस थे जो जिनका प्रतिद्वंदी गैंगस्टर और एलेक्स डेनियल के पिता के साथ झगड़ा था और रायपन ने फुटबॉल के लिए माइकल के जुनून को प्रोत्साहित किया था, क्योंकि दोस्तों वह नहीं चाहते थे कि उनका अंत उनकी तरह एक गैंगस्टर के रूप में है, जबकि रायपन के आपराधिक रिकॉर्ड के कारण माइकल और एक IFT में शामिल नहीं हो पाए। और दोस्तों बात की जाए तो यह वर्तमान समय में माइकल और डेनियल का सामना करता है और पहले के हमले के लिए उसके मारने का प्रयास करता है, लेकिन दोस्तों पुलिस डेनियल को गिरफ्तार करने और उसे जेल भेजने के लिए हस्तक्षेप करती है। माइकल ने बाद में महिला फुटबॉल टीम के कोच के कथित के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और एंजल और टीम के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। हालांकि दोस्तों उसकी अपराधी
अपराधी पृष्ठभूमि के कारण लड़कियों ने उसके साथ असहयोग करने से इनकार कर दिया था, जहां तक कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप में मणिपुर के हाथों टीम की शुरुआती और हर के लिए उसे दोषी ठहराया था और दोस्तों फाउंडेशन से उसे ठहराने का अनुरोध किया, जो कि उदास और माइकल शर्मा को अपना इस्तीफा देते हैं। लेकिन दोस्तों जल्द ही पता चलता है कि शर्मा और उसे भारतीय फुटबॉल टीम ने अनुमति देने के लिए रैपन के हाथों हुए और अपमान का बदला लेने के लिए निशाना बनाता है, और वह था जिसमें माइकल पर हमला करने के लिए सशस्त्र और हमलावर को भेजे थे, जो कि मणिपुर फुटबॉल मैच से पहले। हालांकि माइकल और लड़कियों को उनका समर्थन करने के लिए मना लेता है, और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट के लेकर भी हाजिर हुए हैं, जैसे कि दोस्तों यह फिल्म में सुपरस्टार कौन कौन है और यह फिल्म का डायरेक्टर कौन है, दोस्तों साथ ही साथ फिल्म की रिलीज डेट और यह फिल्म का संगीत कौन दिया था, और इस फिल्म की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी जानकारी आपको इस वीडियो में हम बतलाएंगे, और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि यह फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में आपको यूट्यूब पे कहां से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी चीजों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें, और दोस्तों इसी के साथ चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म बिग गिल, जो कि यह एक भारतीय तमिल भाषा की स्पष्ट एक्शन फिल्म है, जिसे एटली द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था और AGS इंटरटेनमेंट के बैनर तले कलापनाथी और एस आरोधम द्वारा निर्मित फिल्म में विजय मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलेंगे, और दोस्तों इसमें अन्य प्रमुख भूमिकाओं में नयनतारा, जैकी श्रॉफ, विवेक और कार्थित भी हैं। यह फिल्म माइकल रेपन और उफ के इर्द गिर्द घूमती है। बिग गिल, जो कि एक फुटबॉल से गैंगस्टर बन जाता है, जो एक महिला फुटबॉल टीम को कोच करने का फैसला करता है, जबकि उनके कोच पर हमला होता है, और दोस्तों वह चुनौती का सामना करता है, जबकि उस हिंसक पृष्ठभूमि के कारण उसकी टीम उसके साथ असहयोग नहीं करती है और खुद को कुछ प्रतिबिंधिताओं द्वारा स्वीकार किया जाता है, जो बदला लेना चाहता है, और विफा फिल्म को आधिकारिक तौर पर 14 नवंबर 2018 को अपने कामकाजी शीर्षक थलपति 63 और अभिनेता के रूप में विजय की 63 फिल्म शामिल है और फिल्म जिक्र करते हुए तहत घोषित किया था, और दोस्तों इसे थेरी और मैरसल के बाद विजय और एटली के तीसरे सहयोग को चिहित किया था। इस फिल्म के लिए मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू हुई थी, जहां की मुख्य रूप से चेन्नई और आसपास में हुई थी। दिल्ली की बात की जाए कि दिल्ली में यह फिल्म को दिल्ली में आसपास 2019 की शुरू हुई, जहां की मुख्य रूप से चेन्नई में और दिल्ली में एक मामूली शेड्यूल के साथ 14 अगस्त को समाप्त हुआ था। फिल्म के शीर्षक बिग गिल की घोषणा 22 जून 2019 को फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ की गई थी, जो कि फिल्म के संगीत AR रहमान ने दिया था, जबकि दोस्तों छायाकांत GK विष्णु ने संभाला था और उसके संपादक रूबेंस ने किया था। 180 करोड़ के बजट में बनी फिल्म बिग गिल को भारत में 25 अक्टूबर 2019 को दिवाली के मौके पर थिएटर में रिलीज हुई थी और रिलीज पर फिल्म को ज्यादातर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता विजय के प्रदर्शन के साथ संदेश और निर्देशक की प्रशंसा की गई थी, लेकिन दोस्तों आलोचना का उद्देश्य कमजोर और फॉर्मूला वृद्ध पहली छमाही और अत्यधिक लंबाई थी। फिल्म बिग गिल, जो कि 2019 की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की
50वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है, जिसमें रिलीज होने पर लगभग 285 करोड़ से लेकर 300 करोड़ की कमाई की और यह आगे चलकर सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई थी। और दोस्तों उस समय विजय के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपने 100 दिवसीय थिएटर रन पूरे किए और जो कि सिने अवार्ड तमिल और आनंद विकट सिनेमा अवार्ड 3 और एडिशन अवार्ड और सिम्मा अवार्ड में से प्रत्येक में 2 पुरस्कार जीते हैं। बात की जाए दोस्तों फिल्म में विजय नयनतारा अभिनेत्री और जैकी श्रॉफ कथित विवेक जैसे और बड़े स्टार देखने को आपको इस फिल्म में मिलेंगे। फिल्म की रिलीज 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई थी और यह फिल्म की रनर टाइम की बात करें दोस्तों यह फिल्म का रनर टाइम 1 से 77 मिनट के साथ इस फिल्म को बनाई गई थी। फिल्म बिगिल को तमिल भाषा के साथ इस फिल्म को इंडिया में रिलीज किया गया था। और बात की जाए दोस्तों फिल्म की तो यह फिल्म में विजय और अभिनेत्री नयनतारा की जोड़ी आपको जबरदस्त भूमिका के साथ देखने को आपको मिलेगा। बात की जाए दोस्तों फिल्म में विजय धोरी भूमिका में है जो कि माइकल रैपियन एक गैंगस्टर से तमिलनाडु महिला फुटबॉल टीम के कोच बने और पूर्व फुटबॉलर जो कि कोड नाम और बिगिल के तहत खेलते थे। वैसे ही दोस्तों अभिनेत्री नयनतारा जो कि यह फिल्म में एजेंट आशीर्वाद के रूप में नयनतारा माइकल की प्रेम रुचि एक फिजियो और थेरेपिस्ट के किरदार में है जो कि जेके शर्मा अखिल और भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के रूप में जैकी श्रॉफ भी अपना किरदार निभाए हैं। कथित के रूप में कथिर माइकल का साथी है जो कि विवेक नेसी के रूप में है। और दोस्तों डेनियल बालाजी जो कि डेनियल एक ड्रग डीलर और गैंगस्टर है जो कि आनंद के रूप में है। डोनाल्ड के रूप में योगी बाबू है जो कि फिल्म बिगिल में आई एम विजयन और एलेक्स डेनियल के पिता के रूप में है। और दोस्तों बात की जाए फिल्म बिगिल की विकास जो कि सरकार 2018 के निर्माण के दौरान यह बताया गया था कि निर्देशक एक विनोद हरि और मोहन राजा दो और पेरा स्वरू को विजय की 63वीं फिल्म का निर्देशक करने के लिए अनुबंधित किया जाएगा। फिल्म की सुपरस्टार अभिनेत्री जो कि नयनतारा यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कि सुपरस्टार अभिनेता विजय के साथ फिल्म बिगिल में आपको देखने को मिलेगी। नयनतारा जिन्होंने पेशावर रूप से नयनतारा के नाम से भी जाना जाता है और यह एक भारतीय अभिनेत्री फिल्म निर्माता है और जो कि मुख्य रूप से तेलुगु और मलयालम फिल्म के साथ साथ तमिल फिल्म में भी दिखाई देती है। भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक है और वह फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी सह की सूची में 2018 की सूची में प्रदर्शित होने वाली एकमात्र दक्षिण भारतीय अभिनेत्री थी जिनकी दोस्तों कुल वार्षिक कमाई 15.17 करोड़ की थी। और नयनतारा ने 2 दशकों में फैली 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है, कई पुरस्कार जीते हैं और उनमें से लोकप्रिय पुरुष से भारतीय सिनेमा की लेडी सुपरस्टार के रूप में संबोधित किया जाता है। अभिनेत्री नयनतारा ने अपने अभिनय की शुरुआत मलयालम फिल्म मानसिन नकारे 2003 से की और उन्होंने आया जो कि 2005 के साथ तमिल सिनेमा में एक लक्ष्मी और 2006 के साथ तेलुगु सिनेमा में अपनी शुरुआत की थी। पैरानिक फिल्म श्री रामराज्यम 2011 में देवी सीता ने उनके चित्रण ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार तेलुगु और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नदी पुरस्कार अर्जित किया था। उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा राजा रानी 2013 और एक्शन कॉमेडी नानम
राउडी धन में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए तमिल फिल्म और तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार जीता था। 2015 में राजनीतिक ड्रामा रान 2017 और अपराध नाटक पुथिया नियम 2016 में उनके प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मलयालम के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नयनतारा ने अन्नामिका 2014 और माया 2015, कुल्ला मावू और कोकिला 2018, एरा 2019 और नेत्रीकान 2022 सहित सफल महिला केंद्रित फिल्मों के साथ खुद को स्थापित किया था। अभिनेत्री नयनतारा के अन्य सफल और उल्लेखनीय कार्यों में गजनी 2005 और बिल्ला 2007 के साथ यार्दिनी मोहिनी 2008 और बॉडीगार्ड 2010, कृष्णम वंदे और जगरुदम 2012 और थानी ओरुवान 2015 और कासमोरा 2016 जैसे एक से बढ़कर एक फिल्म में काम की है। अभिनेत्री नयनतारा ने बाद में तमिल और तेलुगु फिल्म में काम करना शुरू किया, जो कि 2005 में उन्होंने हरि और अध्याय की कास्ट किया गया और तमिल फिल्म उद्योग में फिल्म की मुख्य नायिका के रूप में डेब्यू किया था। और दोस्तों बात की जाए, उसने तमिल और सनसनीखेज शुरुआत की, जबकि नौरुंग जो कि नौरिंग.com ने एक समीक्षक ने कहा कि उसकी सुंदर और मुस्कान के साथ उपस्थिति भीड़ जाती है। और आय की शूटिंग के दौरान उन्होंने कॉमेडी हर फिल्म चंद्रमुखी के लिए चुना गया था। इसके निर्देशक बी पी बासु ने पत्नी ने मन सिकारे को देखा था और उनकी सिफारिश की थी और यह फिल्म सिनेमा घर में 800 से अधिक दिनों तक चली थी। अंत नयनतारा को तमिल में सबसे अधिक मांग वाली अभिनेत्रियों में से बदल दिया गया था। उन्होंने मलयालम और ठस्कर वरिन और रप्पा कॉल में भी अभिनय किया था, जो कि बाद में उस वर्ष एक ए आर मुगुद्रास की गजनी में दिखाई दिए थे, जिसमें उन्होंने एक माध्यमीय महिला और किरदार निभाया था, जो कि नयनतारा ने तब से पेरा रसू निर्देशित मसला फिल्म शिवकाशी में खुद को रूपमेट और टाइटम नंबर में दिखाई दिए थे। 2006 में नयनतारा की पहली रिलीज कल्ला वनी और कधिली थी, जो कि उनका प्रदर्शन किया था, और ताकत था, जो कि उन्होंने अगली बार तेलुगु में अपनी शुरुआत की थी। फिल्म लक्ष्मी में अभिनय किया, जिसके बाद उन्होंने बॉस और आई लव यू में अभिनय किया था। 3 तमिल फिल्म में जिनमें से उन्होंने प्रमुख महिला पात्र की भूमिका निभाई और कल्लवन, थलाई मगन और ई दीपावली 2006 के दौरान एक साथ रिलीज हुई थी। दोस्तों तीनों फिल्म ने मिश्रित समीक्षाएं मिली और वल्लवन में उसने एक लेंचर का किरदार निभाया था, जिसमें अपने से कम उम्र की एक छात्रा से प्यार हो जाता है। और सीपी ने लिखा कि नयनतारा वस्तुतः फिल्म के साथ चली जाती है और दोस्तों कभी इतनी सुंदर नहीं दिखती है कि वो विशेष रूप से गीतों में बहुत खूबसूरत दिखती है और अपनी अच्छी तरह से तैयार की गई भूमिका के साथ नयनतारा की करती है अन्याय करती है। और साइंस फिक्शन थ्रिलर में नयनतारा ने एक बार डांसर की भूमिका में दिखाई दी है। अभिनेत्री नयनतारा की तो बात की जाए तो यह एक 2008 की उनकी 5 रिलीज हुई फिल्म, जिनमें से 4 तमिल में थी और उनकी पहली रिलीज पारिवारिक मनोरंजक फिल्म यारदी
यारादिनी और मोहिनी थी, जो कि नयनतारा ने अपने धमाकेदार अभिनय को दूर कर दिया था और तरीके से रगड़े जाने पर शांति शातिर अवमन्ना दिखती है और गीतों में प्यार लगती है प्यारी लगती है। और newwarning.com ने कहा कि अपने अभिनय कौशल को पूर्ण मां में प्रदर्शित करती है और भावनात्मक दृश्य में एक चलती फिरती प्रतुष्टि देखती है। जबकि दोस्तों सिफी के आलोचक ने लिखा कि वह सनसनी खेज दिखती है और उसके शायद सबसे भावनापूर्ण भूमिका में बहुत अच्छा काम किया है और अब तक किया है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तमिल के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए अपने दूसरे नामांकन के अलावा उसके बाद की प्रतिष्ठित 2008 में कुसेरलन और सत्यम और एगनन में थी, जो कि 2009 में वह बिल्लू और अधवन में दिखाई दी थी, जो कि 2010 में उनकी सभी रिलीज जिसमें उन्होंने महिला प्रधान के रूप में दिखाई दिए थे। व्यावसायिक रूप से सफल रही और उन्होंने 4 दक्षिण भाषाओं की अधूर तेलुगु बॉडीगार्ड, मलयालम और सिम्हा तेलुगु बॉस में बॉक्स और ऑफिस पर 5 हिट फिल्मों में थी, जो कि अगिरा भास्कर की तमिल और सुपर कन्नड़ उन्होंने बॉडीगार्ड में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का एशियानेट पुरस्कार जीता था। उन्होंने बॉडीगार्ड ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का एशियानेट पुरस्कार जीता और बाद के 3 विशेष रूप से नयनतारा के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय थे और सिन्हा बॉस की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई है। बात की जाए दोस्तों अभिनेत्री नयनतारा और सुपरस्टार अभिनेता विजय की जोड़ी यह फिल्म में बिग गिल में आपको जबरदस्त भूमिका के साथ देखने को मिलेगा। वैसे ही दोस्तों फिल्म में अभिनेत्री नयनतारा और विजय के साथ जोड़ी इस फिल्म में जबरदस्त चली है और वैसे ही दोस्तों यह फिल्म में जैकी श्रॉफ भी अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ देखने को मिले हैं। जैकी श्रॉफ जो कि जिन्होंने जैकी श्रॉफ के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता और पूर्व मॉडल है, जो कि वह 4 दशक से अधिक समय से बॉलीवुड उद्योग में से और 2020 तक हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, भोजपुरी के साथ साथ कोंकणी, ऑडियो, गुजराती जैसी 13 भाषा की फिल्मों में 220 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए हैं। इनकी अभिनय करियर की शुरुआत की ओर नजर डाले तो दोस्तों जैकी श्रॉफ ने 11वीं कक्षा के बाद स्कूली छोड़ दिया था। 2006 में जैकी श्रॉफ ने बच्चों की फिल्म भूत अंकल में अभिनय किया और उसके बाद 2010 में वह फिल्म भूत और फ्रेंडसन में दिखाई दिए थे। 2011 में उन्होंने गुरु भाई ठक्कर द्वारा निर्देशित फिल्म सरदा इन द नेम ऑफ गॉड में एक छोटी भूमिका निभाई और 2017 में जैकी श्रॉफ ने कोंकणी में अपनी शुरुआत की, जो कि फिल्म सोल करी में अभिनय किया था, जिसने उन्होंने एक पुरस्कार भी दिलाया और इसके बाद वह 2019 की रिलीज होने वाली एक कोंकणी फिल्म में अभिनय करने वाले, जिसका नाम कंतरा था। अक्टूबर 2018 में उन्होंने एक लघु फिल्म द प्ले बाय मिस्टर सहनी में अभिनय किया, जो कि प्लेटन में देखा गया था। उन्होंने 2019 में की गई फिल्मों में काम करना शुरू किया, जैसे कि फिर की भारत और साहो और रोमियो, अकबर अल्टर और प्रार्थनम में भी अभिनय करने जा रहे हैं, जो कि असली फजल और संजय दत्त के साथ इसी नाम की तेलुगु फिल्म हिंदी रीमेक है। अभिनेत्री नयनतारा जो कि यह फिल्म में
जैकी श्रॉफ और विजय के साथ फिल्म बनी जो कि बिग गिल, जो कि आजकल भी फिल्म देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। और दोस्तों आपको बतलाएंगे कि यह फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में आपको यूट्यूब पे आपको कहां से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी चीजों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। और बात की जाए दोस्तों अभिनेता विजय, जो कि जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जिन्हें पेशावर रूप से विजय के रूप में जाने जाते हैं, भारतीय अभिनेता और गायक है जो कि मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। वह भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं और उन्होंने 66वें फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स ने उन्हें निरंतर कलाकार के रूप में चिन्हित किया था। और थल्लापति के रूप में सदाभिर्त विजय का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महत्वपूर्ण अनुसरण है, जो कि उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें से दोस्तों ये साउथ इंडियन की इंटरनेशनल मूवी अवार्ड है। और यह सुपरस्टार अभिनेता विजय के साथ फिल्म में अभिनेत्री नयनतारा भी अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ दिखाई देगी। दोस्तों नजर डालें सुपरस्टार अभिनेता विजय की अभिनय करियर की शुरुआत की ओर नजर डालें तो दोस्तों सन 2000 में उन्होंने कन्नुकल नीलावू में अभिनय किया, जो कि विजय की 25वीं गंभीर रूप से सफल फिल्म थी। साथ ही दो व्यावसायिक रूप से सफल रोमांस फिल्म कुशी और प्रेमी प्रिया मनम वाले, उनकी अगली सफल फिल्म फ्रेंडसम और बद्री और शाहजहां थी, जो कि सन 2002 में उन्होंने हिंदी अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के साथ एक्शन फिल्म थमीजान में अभिनय किया था। बाद में उन्होंने रोमांटिक फिल्म युद्ध और एक्शन फिल्म बागवती में अभिनय किया था। विजय ने 2003 की शुरुआत कॉमेडी फिल्म वासीगरा में और सुपर चैनूरल फिल्म पुडिया गीताई से की थी। 2003 में एक्शन रोमांस फ्रेक और थिरुमलाई के बाद एस धरानी द्वारा निर्देशित और A.M. रतन द्वारा निर्मित फिल्म गिल्ली रिलीज हुई थी। इसमें मुख्य भूमिका में विजय के साथ त्रिशा और प्रकाश राज ने सह अभिनय किया था। गिल्ली घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 500 मिलियन या 50 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली अब तक की पहली तमिल फिल्म थी। फिल्म ने मलेशियाई बाजार में लगभग ₹5 लाख की कमाई की और गिल्ली ने रिलीज के पहले सप्ताहांत में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा फिल्म देखने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था, जो कि पहले इसके द्वारा आयोजित किया गया था कि एम एजी रामचंद्र की आदि माई पेन 1969 की गिल्ली को अनुकूल समीक्षा मिली थी। उसके बाद दोस्तों 2007 के अंत में विजय ने रोमांटिक थ्रिलर फिल्म अजगियम, जो कि तमिल मगनन में अभिनय किया था, जहां उन्होंने एक ही समय में नायक और प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई थी। अजगिया, जो कि तमिल मगन, ने विदेशों में 1.0 जो कि $43 मिलियन की कमाई की और जो कि 2007 की विदेशी बॉक्स ऑफिस पर सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। स्क्रीन और डेली एक ब्रिटिश पत्रिका ने बताया था कि अजगिया तमिल मगन ने मलेशियाई शीर्षक 10 और एशियाई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर हिट चार्ट में प्रवेश किया था। 2007 में व्यावसायिक रूप से सफल और व्यतिकरण 2009 को छोड़कर अजगिया तमिल मगनम और कुरुवी और उसके बाद सभी रिलीज बिल्लू औसत सफल थे और तीनों फिल्म ने विदेशों में अधिक सफल रही थी। 2009 में विजय और दक्षिण की भारत में सबसे
अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक बन गए हैं। 2010 में उन्होंने एक्शन कॉमेडी फिल्म सूर्य में अभिनय किया जो कि बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। सूर्य जो कि मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 50वीं फिल्म थी। उसके बाद दोस्तों 2011 में शुरुआती विजय की रोमांटिक कॉमेडी कवलन के लिए निर्देशक सिद्दीकी के साथ जुड़ गए और इसे दुनिया भर में 102 करोड़ रुपए के बॉक्स ऑफिस का संग्रह किया था। साथ ही साथ दोस्तों दर्शकों और आलोचकों दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी और कवलन को चीन में शंघाई अंतरराष्ट्रीय फिल्म मद्दाहोश में प्रदर्शित किया गया था। कवलन चीन में एक व्यावसायिक सफलता थी और उसी वर्ष दिवाली के दौरान उनकी अगली रिलीज एम राजा द्वारा निर्देशित और वेनु रविचंद्र द्वारा निर्मित एक्शन फिल्म वेला युद्धम रिलीज हुई थी। वेला युद्धम 2011 की शीर्ष कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई है। वेला युद्धम जापानी दर्शकों के बीच एक महत्वपूर्ण सफल रही थी। उसके बाद दोस्तों 2012 में विजय की अगली रिलीज नाबनम को ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। उसके बाद दोस्तों बात की जाए तो 2019 की सुपरहिट फिल्म जो कि 2019 की रिलीज में हुई थी बिगिल, जो कि इटली द्वारा निर्देशित एक फुटबॉल एक्शन फिल्म है जो कि विजय ने फिल्म में अपनी भूमिका के लिए विशेष प्रदर्शन लिया था। फिल्म बिगिल को विजय की दशक की अंतिम फिल्म थी जो कि बिगिल को आलोचकों से मिश्र समीक्षाएं मिली थी, लेकिन दोस्तों विजय की फिल्म के भीतर और उनके पात्रों को चित्रण करने के लिए प्रशंसा मिली थी। यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिसने 300 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की और 2019 को सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई थी। इसके बाद दोस्तों रिलीज 3 महीने के भीतर और विजय के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। फिल्म बिगिल को जो कि मिस्त्रन और जार्डन में रिलीज हुई और पहली तमिल फिल्म थी जो कि 2020 में बिगिल की जर्मनी में फिर से रिलीज होने वाली पहली तमिल फिल्म थी। उसी वर्ष के दौरान लोकेश कंगराजा को जेबिया ब्रिटो द्वारा निर्मित विजय की फिल्म मास्टर के निर्देशक के रूप में चुना गया था। और बात की जाए दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय और अभिनेत्री नयनतारा की जोड़ी आपको काफी जबरदस्त भूमिका में देखने को मिलेगा। बात की जाए दोस्तों फिल्म की कहानी की ओर नजर डालें तो दोस्तों माइकल जो कि रापन्ना और राय पुनम चेन्नई में एक गैंगस्टर है जो कि अन्नी और जुगनी जो लोगों के कल्याण के लिए काम करता है और फिर जो थोरे पिस्टिवल और एजेंट आशीर्वाद के साथ उनका एक हास्यपूर्ण रिश्ता है जो कि माइकल का डेनियल नाम ने एक प्रतिबिंदिती गैंगस्टर के साथ झगड़ा चल रहा है और एक रात डेनियल माइकल और उसके करीबी दोस्त के थ्रिलर पर हमला करता है जो कि दोस्तों तमिलनाडु महिला फुटबॉल टीम के कोच है जो कि हमले के दौरान कथिर को चोट लग जाती है और जिसके कारण वह एक साल से लकवा ग्रस्त है और महिला फुटबॉल टीम को दिल्ली में होने वाली आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति देने के लिए कथिर ने TNFA से अनुरोध किया है। उन्होंने बिगिल नाम के अपने पूर्व साथी के साथ बदलने के लिए जो कि वास्तव में माइकल है जो कि 7 साल से पहले
माइकल एक आकांक्षी फुटबॉल एक फुटबॉलर थे। उन्होंने कथिर और उनकी टीम के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की जीत में योगदान दिया और जिसने उनके पिता रप्यानम थे जो कि एक क्राइम बॉस थे जो जिनका प्रतिद्वंदी गैस्टर और एलेक्स डेनियल के पिता के साथ झगड़ा था और रायपन ने फुटबॉल के लिए माइकल के जुनून को प्रोत्साहित किया था क्योंकि दोस्तों वह नहीं चाहते थे कि उनका अंत उनकी तरह एक गैंगस्टर के रूप में है जबकि रायपन के आपराधिक रिकॉर्ड के कारण माइकल और एक आईएफटी में शामिल नहीं हो पाए। और दोस्तों बात की जाए तो यह वर्तमान समय में माइकल और डेनियल का सामना करता है और पहले के हमले के लिए उसके मारने का प्रयास करता है लेकिन दोस्तों पुलिस डेनियल को गिरफ्तार करने और उसे जेल भेजने के लिए हस्तक्षेप करती है। माइकल ने बाद में महिला फुटबॉल टीम के कोच के कथित के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और एंजल और टीम के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। हालांकि दोस्तों उसकी अपराधी पृष्ठभूमि के कारण लड़कियों ने उसके साथ असहयोग करने से इनकार कर दिया था जहां तक कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप में मणिपुर के हाथों टीम की शुरुआती और हर के लिए उसे दोषी ठहराया था और दोस्तों फाउंडेशन से उसे ठहराने का अनुरोध किया जो कि उदास और माइकल शर्मा को अपना इस्तीफा देते हैं लेकिन दोस्तों जल्द ही पता चलता है कि शर्मा और उसे भारतीय फुटबॉल टीम ने अनुमति देने के लिए रायपन के हाथों हुए और अपमान का बदला लेने के लिए निशाना बनाता है और वह था जिसमें माइकल पर हमला करने के लिए सशस्त्र और हमलावर को भेजे थे जो कि मणिपुर फुटबॉल मैच से पहले। हालांकि माइकल और लड़कियों को उनका समर्थन करने के लिए मना लेता है।